Okay, good evening everyone. I said good evening everyone. I said good evening everyone. इतना अच्छा ब्रेक मिला तुमको यार. चलो we're gonna start with the last subject for you in group 2, hopefully. इसके अलावा कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं. अरे नहीं नहीं, you have economics or finance. ओहो हो, बट ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है. सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट आप बोल सकते हो. By now we are done with strategic management. At least मेरे साइड से तो कंप्लीट हो गया है. तुम्हारे साइड का मेरे को मालूम नहीं. आई कैंट रियली कमेंट ऑन दैट. सो लेट्स स्टार्ट विथ EIS. एक काम करते हैं, पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं टू अंडरस्टैंड why ICAI did this to you. Let us try to understand these 5 chapters, ek overview. Then what will be our mechanism to deal with this subject? Usko detail mein discuss karte hain. Dekho, as per ICAI module, there are 5 chapters. There was no lag. Online students, there was no lag. And online ka population itna bad gaya, usko to main maar dalega. हाँ, सो देर आर टोटल 5 चैप्टर्स एज पर ICAI मॉड्यूल. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज हर चैप्टर आपको एक नई दुनिया में लेके जाएगा. सो चैप्टर 1 एंड 2 अप टू सम एक्सटेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर. इफ यू लुक एट द इंडेक्स ऑफ मॉड्यूल 1, चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. मतलब सबसे पहले बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं, देन व्हाट इज BPA, जिसके अराउंड पूरा चैप्टर सर्कुलेट करता है. एंड यू नो इस चैप्टर के अंदर आप रियलाइज करेंगे दैट जब चैप्टर 1 एंड 2 पढ़ेंगे ना, इट हैज लॉट ऑफ रेलेवेंस ऑफ योर ऑडिटिंग SA 315. मतलब रादर ऐसा लगेगा कुछ पॉइंट के बाद में, तो यू नो आफ्टर 2-3 लेक्चर्स ऐसा लग रहा है कि SA 315 स्टार्ट हो गया वापस से. यू विल फील लाइक दैट बिकॉज लिटरली जो इंटरनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, कोसो फ्रेमवर्क है, जिसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको ऑडिट में दिया था, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आपको यहां मिलने वाला है. सो दिस चैप्टर 1 एंड 2 इज ऑल अबाउट बिजनेस प्रोसेसेस. एंड याद करो बिजनेस प्रोसेस इज अ कंट्रोल, एंड कंट्रोल वहां आता है जहां रिस्क होता है. तो सर यहां पर रिस्क क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, रिस्क को एड्रेस कैसे करना चाहिए, कैसे मिटिगेट करना चाहिए, कंट्रोल्स कैसे डिजाइन करना चाहिए, मतलब एकदम एक्सट्रीम डिटेल वाला पार्ट आएगा. रादर इसके अंडरस्टैंडिंग के बाद में आपको वो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट था, कंप्लायंस प्रोसीजर, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट बेटर बिकॉज आपको सही में समझेगा कंट्रोल्स बनाए कैसे जाते हैं, तो कंट्रोल को टेस्ट कैसे करना है, वो वाला पार्ट भी आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा. सो चैप्टर 1 यू विल रियलाइज इज गोइंग टू बी अ लॉट अबाउट बिजनेस प्रोसेसेस. फिर चैप्टर 1 के अंदर ना सडनली इन द एंड यू विल रीच समवेयर वेयर यू विल गेट टू सी, हैव यू हर्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फ्लो चार्ट. सुना क्या वर्ड फ्लो चार्ट? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली, राइट? तो फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स दैट मैथमेटिकल सिचुएशंस के ऊपर कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं. ये चीज ओल्ड सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के अंदर. फ्लो चार्ट इन रिवाइज सिलेबस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वंस इन अ वाइल, लेट्स से मे बी वंस इन 4-5 अटेम्प्ट्स, दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन फ्लो चार्ट. मतलब उस चीज को हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेरेटिवली. दिस विल बी आर चैप्टर 1. चैप्टर 2 विल बी अबाउट ERP. एक ERP को बनाया कैसे जाता है, नॉर्मली एक ERP को डिजाइन करने के लिए व्हाट इज मास्टर डेटा, व्हाट इज नॉन मास्टर डेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि मतलब एक ऑथराइज इंसान को ही आपने पावर दिया या नहीं दिया है, कैसे कंट्रोल्स को डिजाइन किया जाता है, फिर कंट्रोल्स को कैसे चेंज किया जाता है, एंड उनको ऑडिट कैसे किया जाता है, दैट विल कम इन चैप्टर 1 एंड 2. मतलब सर 1 एंड 2 अप टू सम एक्सटेंट फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड थोड़ा बहुत ऐसे 315 से इंस्पिरेशन बोरो करते हैं. मतलब ये दोनों फिर भी कनेक्टेड रहेंगे, एटलीस्ट आप एक दूसरे का रेफरेंस दे सकते हैं, समझ सकते हैं. बट वेरी वेरी इजी चैप्टर्स टू स्कोर, लाइक दीज टू आर सच चैप्टर्स जहां पर लिटरली कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम बहुत आसानी से आंसर लिख पाओगे. जैसे मैंने आपको बोला था कुछ टाइम पहले, इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको वही लैंग्वेज लिखना पड़ता है जो मॉड्यूल में लिखा है. इन EIS आपको हेडिंग वही लिखना जो इधर लिखा है. जो अंदर का लैंग्वेज है वो एक्चुअली में 90% ऑफ द टाइम्स विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड.
यू रीड द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड, और लिटरली जो आपका लैंग्वेज रहेगा और जो उनका लैंग्वेज रहेगा उसमें उतना गैप नहीं रहेगा 90%। 10% दिस सब्जेक्ट विल बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टेक्निकल, मतलब लिटरली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव आ जाएगा पूरा का पूरा। वो 10% वाला पार्ट अगर आप छोड़ दो तो 90% बिल्कुल लॉजिकल लैंग्वेज रहेगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, OCM, ऑडिटिंग वाला लैंग्वेज, मतलब सब कुछ मिक्स होकर के इन चैप्टर्स के अंदर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट भी आएंगे, MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बहुत ही बेसिक लेवल के एग्जाम्पल रहेंगे, और मतलब ऑनेस्टली रियल लाइफ में रेलेवेंट है ये सब चीजें, मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं करता हूं, बट जिस लेवल पे जितना एक्सटेंट उन्होंने लिखा है डिस्कशन इज टू मच, एंड उसका प्रॉब्लम ये है देयर कैन बी एनी क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है जहां पर डिस्कशन बहुत ज्यादा है वहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेस हुआ है। कॉन्सेप्ट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो तुमको समझ नहीं आ सकता है, रादर आपको बहुत जल्दी इजीली एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो चैप्टर 1 और 2 हम सफिशिएंट टाइम डिवोट करेंगे, आपके लिए रिवाइज करना भी एकदम इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। देन लेट मी शो यू मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में तुम्हारे पास 3 चैप्टर रहेंगे। सबसे पहले लुक एट चैप्टर 5। व्हाट इज चैप्टर 5? लुक एट द नेम, मतलब यहां पर लिटरली पहले 10 पेज तो बैंक्स क्या होते हैं वो है, मतलब लिटरली ओवरव्यू ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब यहां पर आपको एडवांस अकाउंट्स का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगेगा। इफ यू हैव दैट तो आपको समझेगा जो ERP नॉर्मल कंपनी में होता है वैसा ही ERP बैंक्स में कहलाता है CBS, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। बेसिकली यू आर नॉट अ कस्टमर ऑफ अ स्पेसिफिक ब्रांच, यू आर अ कस्टमर ऑफ ICICI बैंक, डज नॉट मैटर विच ब्रांच यू बिलोंग टू, दैट इज बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कैसे चीजें ऑटोमेट हो गई है और एक सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट हो गई है वो हमको डिस्कस करना होगा चैप्टर 5 के अंदर, इसलिए इस चैप्टर को एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बाय दैट टाइम आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एडवांस अकाउंट्स में एंड मे बी शायद इवन ऑडिट के अंदर बैंक ऑडिट चैप्टर अप टू सम एक्सटेंट खत्म हो चुका होगा। सो व्हेन वी कम हियर इट विल बी अ वेरी वेरी सिंपल केक वॉक फॉर यू, आपको ज्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। ज्यादा एफर्ट कहां डालना पड़ेगा? चैप्टर 3 और 4 में। लुक एट चैप्टर 4, द मोस्ट कॉमेडी चैप्टर, मतलब यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट क्या होते हैं, मतलब ICICI को पसंद भी है, इधर क्रिप्टो करेंसी भी आएगा तुम्हारा, वो ट्राई करेंगे बताने का तुमको, और तुमको रियलाइज होगा कि एक ब्लॉक से परफेक्ट कंट्रोल से कंट्रोल भी है, दैट यू विल रियलाइज। मतलब चैप्टर 4 इज एक्सट्रीमली डिटेल्ड, स्टार्ट्स विद अलार्म सेट करने से लेकर के, हाँ लिटरली अलार्म सेट करना कैसे बदल गया तुम्हारी जिंदगी में, फूड ऑनलाइन ऑर्डर करने से लेकर के एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सब कुछ चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4 का पार्ट यही है, रियल लाइफ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इफ लीविंग असाइड द बेसिक पार्ट्स जो आपको चीजें सिखाई जाएगी। फॉर एग्जांपल एक वर्ड मैंने पहले यूज किया था SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कैसे आप रेडीमेडली उसको यूज कर सकते हैं, तो IaaS, PaaS, क्लाउड कंप्यूटिंग, SaaS, एवरीथिंग विल कम इन टू पिक्चर। मतलब चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत मजेदार है, बट इसका चैलेंज भी अगेन सेम है, बहुत ज्यादा वास्ट है कंपैरेटिवली। सो इफ यू रियली आस्क मी, बहुत आसान चीज होगा चैप्टर 4 से शुरू करना, इट इज वेरी इजी और आपको एक्सेप्टेंस भी आएगा आइडियली। डू यू गेट माय पॉइंट? बट नहीं, वहां से नहीं शुरू करेंगे, दैट विल बिकम टू इजी फॉर यू, मतलब लिटरली ऐसा लगेगा कि एकदम टाइम पास है, सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। कम टू चैप्टर 3, दैट विल, दिस इज वेयर IT वर्ड कम्स इन टू पिक्चर, बट वो IT वर्ड ना सिर्फ इधर तक ही है, इधर तक, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल्स एंड इवन ऑडिटिंग ऑफ कंट्रोल्स। मतलब इतने टाइप के कंट्रोल पढ़ाएंगे आपको, आपका याद है क्या कंट्रोल रिस्क कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा, मतलब दिस इज वेयर दे विल टीच यू ऑल पॉसिबल कंट्रोल्स इन द वर्ल्ड विच कैन एग्जिस्ट, फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स, मतलब हर तरीके का कंट्रोल यहां डिस्कस होगा, दैट विल बी योर चैप्टर 3। इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, यहां पर लैंग्वेज टेक्निकल होगा, दिस इज वेयर विल हैव टू बी लिटिल मोर फोकस्ड, थोड़ा समरीज डिटेल में बनाना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में सही क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओ, सही से आंसर लिख पाओ। ऑनेस्टली चैप्टर 3 का 70-80% पार्ट, चैप्टर 4 का पूरा मेजर पार्ट एंड चैप्टर 5 का पूरा पार्ट, दिस वॉज इन आर CA फाइनल। There was a subject called as इसका करके subject था, इसका किसका नहीं, इसका subject था। उस subject को उन्होंने खत्म कर दिया, लोगों को लगा finally chap subject गया, उन्होंने उठाया ऐसा कैसा control से control भी करके intermediate में नया नाम देके दे दिया EIS,
ताकि लोगों को लगे नया सब्जेक्ट है. डू यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बट लिटरली 80% जो मॉड्यूल 2 का है वो वहां से कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा. इसलिए थोड़ा लैंग्वेज यहां पे 10-20% टेक्निकल होगा. ट्राई टू प्रोसेस दैट, डोंट वरी. अभी हम बोलो शुरुआत कहां से करें. शुड वी स्टार्ट विद चैप्टर 1 एंड 2? वी हैव टू. यू हैव ओनली मॉड्यूल 1 टुडे विद यू. एंड दैट इज वेयर आई थिंक योर लिटिल बिट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है दैट विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और थोड़ा आपको ऐसा लगेगा सब्जेक्ट एक्सेप्टेबल है. एंड एवरी चैप्टर हैज ए वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, इक्वल वेटेज. कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है. नंबर 1. नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए मुश्किल होने वाला है, फर्स्ट लेक्चर आज ये है इसका. पहले बोल देता हूं, अगर यहां पर मैं सब कुछ लिखवाने के लिए गया, ये समराइज वर्जन 500 पेज है, समझ रहे हो ना मेरा बात? वी विल टेक 6 मंथ्स टू फिनिश दिस. इन दिस सब्जेक्ट व्हाट वी नीड टू डू इज चेंज आर अप्रोच लिटिल बिट. इन एवरी चैप्टर आई हैव डिवाइडेड चैप्टर इन टू पार्ट. इफ यू रियलाइज नो, ये आईसीएन से डिवाइड करके नहीं दिए, आईसीएन 100 पेज इकट्ठे करके दिए, समझ रहे हो? मैंने पार्ट ए बी सी डी से डिवाइड करके रखा, बिकॉज हर पार्ट में मेरे को मालूम है ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है कि ये 2-3 जगह पे क्वेश्चन आ सकता है. जहां मेरे को मालूम है क्लियर कट चांसेस बहुत ज्यादा है, रैशनली क्वेश्चन ऐसा बनता है, उन चीजों को समराइज करेंगे, बाकी डिस्कशन करेंगे. जो मैं बोलता हूं उसको इज्जत से मार्क भी करना. ई आई एस के केस में आपको मॉड्यूल मेरे साथ साथ रेफर करना पड़ेगा, चीजों को हाईलाइट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा, कहीं कुछ सेंटेंसेस लिखवाऊंगा वो लिखना पड़ेगा. बट आई विल एंश्योर वन थिंग दैट आउट ऑफ लेट्स से एवरी चैप्टर मैं आपको वो 15-20 क्वेश्चंस का समरी बनवा के दूंगा जहां से 99% चांस से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. आइडियली बी प्रिपेयर्ड. देखो आपको क्लियरली बोलता हूं, हर चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, बिकॉज ई आई एस में 5 मार्क क्वेश्चन कॉमन है, 5 मार्क या 4 मार्क क्वेश्चन. तो एवरी चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स. अगर आप 15 मार्क का एमसीक्यू निकाल दो तो 35 मार्क बचता है, समझ लो मतलब 75 या 35. ऐसा रहेगा कुछ कुछ चैप्टर में से एमसीक्यू नहीं आएगा, 10 मार्क के 5-5 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, कहीं पर एमसीक्यू रहेगा तो 5 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा. इसीलिए वो परफेक्टली काम करेगा, ये प्रॉमिस जरूर करता हूं कि जितना आपको समराइज करके दिया जाएगा 99% पेपर उधर से ही आएगा, क्योंकि अपन सब कुछ इंपॉर्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे. और जो मेरे को लगता है नॉन कोर है, बहुत सारा एग्जाम्पल ओरिएंटेड लिखा हुआ कंटेंट है, डिस्कस सब करेंगे, समझेंगे पूरा, मतलब मेरे को तुम्हारे साइड से थोड़ा पार्टिसिपेशन लगेगा. और प्लीज पहले एक बात बोल रहा हूं, तुम पिछले 12 मिनट जब से मैं बोल रहा हूं मेरे को ऑलरेडी मालूम है इस कॉर्नर में 2 लोग बात कर रहे हैं, इस कॉर्नर में 2 लोग बात कर रहे हैं, एक पीछे घूम के देख रहे हैं, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में बाकी सब लोगों के अंदर डिस्ट्रैक्शन होगा. और ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो वापस से वापस और वापस से स्टार्ट करो, इट वोंट बी पॉसिबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? पहले दिन वार्निंग दे रहा हूं एंड डॉट प्लीज 6 बजे मुझे स्टार्ट करने का एवरीडे. सो तुम्हारा चाय कॉफी जो भी करने का है, 5:59 बी हियर. डू यू गेट माई पॉइंट? यस. आई विल टेल अभिषेक सर दैट एटलीस्ट लास्ट से लास्ट 5:40 के बियॉन्ड ना जाए ताकि तुमको 20 मिनट्स मिले. डू यू गेट माई पॉइंट? बट देखो वो एनालिटिकल प्रोसीजर है, वेरियंस आ सकता है वहां पे, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मतलब वहां परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत तुमको वेरियंस डील करने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुस्कुराओ, बाजू वाले के साथ हंस लो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है. पर तुम तुम्हारा ना बोर्ड मीटिंग स्टार्ट मत करना इधर, मतलब ऐसे पेशेंस टेस्ट करने का नहीं. डू यू गेट माय पॉइंट? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल नंबर 1, EIS चैप्टर 1. आई देयर? एंड आई प्रॉमिस यू वन मोर थिंग, अगर आप सही में थोड़े इज्जत से पेश आएंगे, ढंग से सुनेंगे एवरी डे, मतलब थोड़ा एवरी डे ज्यादा हो जाएगा बट स्टिल एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर श्योर, हर जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे कनेक्टेड मैं आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा वीडियो का लिंक या एक आर्टिकल का लिंक दूंगा जो जेन्युइनली आपको लगेगा कि इस चीज को रियल लाइफ में कैसे बहुत अलग तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं कंपेरेटिवली. तुमको कितना पढ़ना है, क्या करना है, तुम्हारा मर्जी है. मैं क्लास के अंदर प्ले कर सकता हूं बट कोई फायदा नहीं होगा. 10-10 मिनट के 12 मिनट की वीडियो रहेंगे टोटल, अपने पास 1 hour 45 minutes है, जिसमें से पहले 5 मिनट मेरा नॉर्मल लॉ स्टार्टिंग वाला क्लियर है, आखिरी 5 मिनट में तुम्हारा फोकस खत्म 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 बंद. मेरे पास में उन वीडियोज को इधर प्ले करने का टाइम नहीं है, बट मैं तुमको एवरीडे बेसिस पे या सेकंड जो 1-2 दिन के अंदर गैप के अंदर रहेगा आपको उनका एक्सेस मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर. आप उनको देखिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़िए.
ठीक है, लेट्स कम टू चैप्टर नंबर वन, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अब देखो इस चैप्टर में शुरुआत कैसे करते हैं, पहले कुछ चीजों का ओवरव्यू देता हूं, लेट्स हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन एज पर मॉड्यूल। देखो यहां पर सबसे पहले क्या बोलेगा, ये बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस। सिंपल चीज है, जब भी आप बिजनेस के अंदर कुछ अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज बनाते हो, सिंपल शब्दों में यू डिजाइन सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज सो दैट यू कैन अचीव सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आपने बनाए ताकि आप अपने बिजनेस के कोई भी डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, वो एक्टिविटीज व्हेन इंटीग्रेटेड टुगेदर कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस। लेट्स टेक टू थ्री एग्जांपल्स। हैव यू हर्ड ऑफ पी टू पी, प्रोक्योरमेंट टू पे इज नथिंग बट माई परचेस प्रोसेस। Procurement to pay is a fancy word, but the process is nothing but my purchase process. There should be a requirement. याद है क्या? Purchase process. Costing में पढ़ाया ना तुमको यार. That is nothing but my P2P. Procurement to pay. Goods procure करने से लेकर के payment तक का पूरा process. मतलब मेरा पूरा का पूरा purchase process. Similarly, sales process को बोलते हैं order to cash. क्या बोलते हैं? ऑर्डर टू कैश। मतलब सेल्स ऑर्डर रिसीव होने से लेकर के जब हमने गुड्स को डिस्पैच किया, फाइनली गुड्स के बाद में हमने इनवॉइस बना के दिया और इनवॉइस के बाद हमको पेमेंट रिसीव होगा, मतलब वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्स ऑर्डर से लेकर के पूरा गुड्स प्रोसेस आउट करके डिलीवर करने के बाद में व्हेन आई गेट द कैश, दिस एंटायर सेल्स प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्डर टू कैश। ये सब थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में परचेस प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, एक्सपेंसेस का प्रोसेस होता है, कैश एंड बैंक का प्रोसेस होता है, पेरोल का प्रोसेस होता है, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है किसके, मेरे बिजनेस के प्रोसेसेस के। यहां पर आपको बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस समझना है, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं वो समझना है, फिर इन प्रोसेसेस को मैनेज कैसे करना होता है, क्यों मैनेज करना होता है वो समझना है। पहले मुझे बिजनेस प्रोसेस समझेगा तो ही मैं उसको ऑटोमेट कर पाऊंगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव है कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, बट बिफोर आई थिंक अबाउट ऑटोमेशन आई शुड नो व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस, आई शुड नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, फिर सोच पाऊंगा किसको ऑटोमेट करना चाहिए, किसको ऑटोमेट नहीं करना चाहिए, या अगर ऑटोमेट करना भी है तो उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होने वाले हैं। जैसे ही मैं वर्ड ऑटोमेशन बोलता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट याद आएगा, बीपीआर, याद है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आपको एक एडवांटेज मिलेगा बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग ईएएस आफ्टर एसएम, बहुत सारे रेफरेंसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे बिकॉज आपको रेस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ाया होगा। याद करो, बीपीआर में भी देयर वाज अ रोल ऑफ आईटी, एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ आईटी, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी, आपका एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इंप्रूव करता है, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर बीपीएम का भी ऑब्जेक्टिव वही आएगा, बिकॉज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज एक्चुअली पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो इन अदर वर्ड्स दैट इज कॉल्ड एज बीपीआर। आप लिटरली मुझे पूछेंगे ना आधी चीजें, बस पर्सपेक्टिव अलग अलग है, एक स्ट्रेटेजिस्ट के हिसाब से लिखा है, एक आईटी कंसल्टेंट के हिसाब से लिखा है, तो यहां पर थोड़ा आईटी लैंग्वेज आ जाएगा और यहां पर एक स्ट्रेटेजिस्ट का लैंग्वेज आ जाएगा, कंसेप्चुअली दे बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। नोटबुक्स निकालिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग, सिंपल इंपॉर्टेंट चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, क्विकली समराइज करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। नोटबुक्स चैप्टर नंबर वन, डू यू हैव अ सेपरेट नोटबुक, अगर एसएम में जगह बचा तो भी यूज कर सकते हो, मतलब अभी मेरे को मालूम नहीं कितना स्पेस है तुम्हारे पास एसएम में, योर डिसीजन। नेक्स्ट हेडिंग चैप्टर वन, अंडर दैट पॉइंट नंबर वन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस। इन चैप्टर वन सबसे पहले चीज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस, डैश करके लिखो, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, series of activities which are designed to accomplish specific objectives or goals, specific objectives or goals can be termed as, or goals can be termed as business processes,
can be termed as business processes. मतलब सर हर बिजनेस प्रोसेस एक्चुअली में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू वी हैव अ परचेस प्रोसेस? सोचो ना यार, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको ये चीज, आपको ऑलरेडी मालूम है. व्हाई डू वी हैव अ परचेस प्रोसेस? ताकि सर जो रिक्वायर्ड है वही चीज परचेस होनी चाहिए, सही प्राइस पे परचेस होनी चाहिए, परचेस होने के बाद सही टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, सही क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए. मतलब डोंट यू थिंक देयर आर एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? एंड सर अगर आप तीनों वर्ड्स को रिलेट करेंगे ना, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपको अचीव करना है, और नेगेटिव चीज सोचोगे तो रिस्क की वजह से शायद ये ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे. अरे याद आ रहा है क्या, पढ़ाया था मैंने आपको ये ऑडिट में, याद आ रहा है क्या? एक बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. नेगेटिव सोचो, रिस्क क्या है, शायद आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे. इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप क्या बनाते हो? प्रोसेस बनाते हो, या क्या बनाते हो? कंट्रोल लगाते हो. ये जो बिजनेस प्रोसेस है ना, यही इंटरनल कंट्रोल है. ये बिल्कुल बेसिक बीकॉम लेवल का डेफिनेशन लिखा है, यही थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन बन जाएगा व्हेन वी गो टू 315. मैंने बिल्कुल प्यार से पार्ट में डिवाइड किया, मतलब आज का पूरा डिस्कशन एकदम बेसिक लेवल पे रहेगा, और जैसे पार्ट ए खत्म होगा चैप्टर वन का, पार्ट बी में एंटर करने के बाद में चीजें ऑटोमेटिकली टेक्निकल बन जाएगी. कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है, पर जस्ट उसका एडवांस लेवल आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगा. वो प्रॉपर ब्रेकेज उस तरीके से किया है. अभी के लिए सर व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस? कुछ ऐसा एक्टिविटीज जो आपने बनाया है ताकि आपको अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिले. सर ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं? लिखिए पॉइंट नंबर टू, categories of business processes. Number two, categories of business processes. Divide them in three parts. Categories of business processes, divide them in three parts. Number A, operational processes, brackets में लिखो primary, operational processes, brackets में लिखो primary. Number two, supporting processes, brackets में लिखो secondary. पहला operational, दूसरा supporting, एंड तीसरा मैनेजमेंट प्रोसेसेस. यू विल अंडरस्टैंड दैट. कुछ याद है वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर? वी हैड प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी वाज नथिंग बट माय सपोर्ट एक्टिविटी. याद है क्या? कुछ एक बार जरा रिवाइज कर लेते. प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या थी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, फिर सर आउटबाउंड, फाइनल गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा ना, मार्केटिंग वाला पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट था, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज. दे वर ऑल माय प्राइमरी एक्टिविटीज. याद है क्या? इन प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए वी हैड फोर सपोर्ट एक्टिविटीज ऑल्सो. क्या क्या चीज था? इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, टेक्नोलॉजी, एंड द लास्ट वन जो चैलेंज था वर्ड प्रोक्योरमेंट. दैट प्रोक्योरमेंट इज नॉट प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल द इनपुट्स यू नीड फॉर माय प्राइमरी एक्टिविटी. याद आया क्या? वैल्यू चेन पक्का याद है? पॉइंटेड डायग्राम था, लास्ट में मार्जिन था. ब्रह्मस्त्र वाले बच्चों तुमको याद आ रहा है कुछ? अगर आपने इतने दिनों तक बैठ के मस्त टाइम पास किया है तो थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा. इसीलिए एक्सपेक्टेशन था आपने बैठ करके रिवाइज करना चाहिए था जो आपने पढ़ा था. वो मेरा अजम्पशन है अभी. चलो तुमने तीन पार्ट में डिवाइड किया. पहला वाला पार्ट क्या है? ऑपरेशनल और प्राइमरी प्रोसेस. सुनो मेरा बात, इनके तीन डिवीजन समझाता हूं आपको मैं. वापस पर्सपेक्टिव अलग अलग रहेगा पर समझ में आएगा, डोंट वरी. ब्रह्मस्त्र तुम नेगेटिव मत हो जो लाइफ में, डोंट वरी, समझेगा तुमको भी. वो सिर्फ एक तरीके से रिवीजन कराने का मैकेनिज्म है ताकि थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ चीजें कैसे कनेक्टेड है. ठीक है, सबसे पहला पार्ट पे आते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेसेस. ये क्या बोलता है? दीज आर माय कोर बिजनेस एक्टिविटीज. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मेन काम क्या है? परचेस करना, सेल करना. अरे हाँ यार, तो जो आपके मेन बिजनेस एक्टिविटीज है जहां पर आपको मेनली फोकस करना चाहिए उनको ये बोलता है ऑपरेशनल प्रोसेसेस, या बोल सकते हो प्राइमरी प्रोसेसेस. ये मेरे लिए कहलाएंगे ऑपरेशनल प्रोसेसेस. अच्छा, ये जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है सपोर्टिंग, डोंट यू थिंक दे आर सेकेंडरी इन नेचर? दे विल सपोर्ट योर प्राइमरी प्रोसेसेस. मतलब यहां पर एचआर आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, टेक्नो, मतलब लिटरली वैल्यू चेन एनालिसिस है.
याद करो वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर प्राइमरी में क्या था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस सेकंड वर्ड था, याद है? थर्ड पॉइंट आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, याद है क्या? ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा। दे आर ऑल माय ऑपरेशनल प्रोसेसेस हियर, बस नाम बदल दिया है, यहां पर प्राइमरी एक्टिविटी बोलने के बजाय ऑपरेशनल प्रोसेसेस बोल दिया जो मेरे बिजनेस के लिए कोर बिजनेस प्रोसेसेस हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेसेस रहेंगे वो कहलाएंगे सपोर्टिंग और सेकेंडरी प्रोसेसेस। एक बात बताओ, ये जो सपोर्टिंग प्रोसेसेस होते हैं आपके एचआर डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, क्या वो लोग डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यू एडिशन करके देते हैं क्या? विल दे गिव अ डायरेक्ट वैल्यू एडिशन टू द कस्टमर? नो, दे डू नॉट, बिकॉज दे मे नॉट इवन इंटरेक्ट विद द कस्टमर डायरेक्टली। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बट डोंट यू थिंक एचआर विल इंश्योर दैट राइट पर्सन इज देयर फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम? इसी वजह से आप इवेंचुअली डोंट यू थिंक सही तरीके से बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, सही प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो एक तरीके से सपोर्टिंग प्रोसेसेस भी आपका एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प करता है। ये इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, नॉट डायरेक्टली। एंड द थर्ड वन, जस्ट वेट फॉर इट, पहले दोनों पार्ट को खत्म करेंगे फिर थर्ड पे आएंगे। नोटबुक्स में आइए, लिखिए पॉइंट नंबर ए। तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, अब एक एक को डिस्कस करते हैं ना डिटेल में। नंबर ए, ऑपरेशनल प्रोसेसेस। Operational processes, डैश करके लिखो, these are primary processes which deals with core business activities. Core business activities. Full stop, continue. They deliver value to the customer. They deliver value to the customer directly. They deliver value to the customer directly. For example, procurement to pay. कॉमा ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योरमेंट टू पे कॉमा ऑर्डर टू कैश एटसेट्रा। मतलब हमारा परचेस प्रोसेस एंड सेल्स प्रोसेस हो गया, कोर बिजनेस प्रोसेसेस हो गया। अब लिखिए पॉइंट नंबर टू, सपोर्टिंग प्रोसेसेस। डैश करके लिखो, these are secondary processes which helps or supports core business processes. For example, human resource management, accounting or finance assists all primary processes. मतलब आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये लोग असिस्ट करेंगे आपके सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। मतलब रॉ मटेरियल कहां से प्रोक्योर करना है, कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड्स को डिलीवर कैसे करना है। इन लोगों ने क्या बोला, जो चीज डायरेक्टली एक कस्टमर को वैल्यूएशन में हेल्प करती है वो प्राइमरी बना दो, और जो डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यूएशन करके नहीं देगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्टिंग बन जाएगा, जो मेरे ऑपरेशनल प्रोसेसेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है या यू नो फंक्शन करने में हेल्प करता है। यहां पर एक चीज लिखो, नोट नीचे करके लिखो, नोट, these processes do not provide additional value to customers directly. However, they do contribute
टू दी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे डू कॉन्ट्रीब्यूट टू दी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे डू कॉन्ट्रीब्यूट टू दी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब सर इसमें हमारे वो सपोर्टिंग प्रोसेसेस, बिकॉज ये वैल्यू चेन के हिसाब से लिखा हुआ है, इसलिए बता रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एचआर हो गया, टेक्नोलॉजिकल पार्ट हो गया, ये सब चीज आपके प्राइमरी एक्टिविटीज को हेल्प करती है, प्राइमरी प्रोसेस को हेल्प करती है. डायरेक्टली एक कस्टमर को वैल्यूडेशन नहीं दे रहा है, बट सर ओवरऑल आपके बिजनेस का एफिशियंसी जरूर इंप्रूव कर रहा है. देखो वापस से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इन्होंने ये लिखा है प्योरली माइकल पोर्टर के वैल्यू चेन को दिमाग में रखते हुए. उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट को डिवाइड किया था, उन दोनों को ही दिमाग में रखते हुए इन्होंने दो कैटेगरीज को बनाया है. स्पेंड टू मिनट्स, वापस से एक बार डेफिनेशन पढ़ो बिजनेस प्रोसेस का, पूरा डेफिनेशन आराम से. सर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जिससे आप क्या अचीव कर पाओगे, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स. सोचो ना, हर परचेस प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को या गोल को अचीव करने के लिए बनाया होगा आइडियली. सर आप ऐसे कैटेगरीज कैसे बनाओगे, आप कैटेगरीज बनाओगे, कोर एक्टिविटीज जो है वो मेरे लिए ऑपरेशनल प्रोसेसेस कहलाएंगे, नॉन कोर बट सपोर्टिंग एक्टिविटीज जिनके बिना प्राइमरी प्रोसेस काम नहीं कर सकते हैं वो मेरे सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे. अब थर्ड वाला जो रहेगा ना वो एक्चुअली में रहेगा मॉनिटरिंग प्रोसेसेस, कैसे ओवरऑल चीजें वर्क कर रही है या नहीं कर रही है. मतलब बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बजट्स क्रिएट करना, मतलब बेसिकली आपके बाकी सारे प्रोसेसेस को मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना विल कम अंडर माय थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोसेसेस, दैट विल बी माय मैनेजमेंट प्रोसेसेस. क्या आपको पहले दोनों पार्ट समझ में आया है क्या? नोटबुक्स पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, डैश करके लिखिए. नंबर 3, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, डैश. These processes helps in monitoring and measuring all activities related to business procedures. All activities related to business procedures. For example, strategic planning, budgeting or forecasting, infrastructure or capacity management, etc. अब देखो आईडियली अगर मुझे पूछोगे ना, सबसे लॉजिकल पॉइंट इसका पहला दो पॉइंट था. पहला पॉइंट देखो क्या लिखा आपने, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बजटिंग. मतलब सर देखो ये प्रोसेस का काम क्या है, आपके बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज आर टेकन केयर बाय माय प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब इन दोनों को मॉनिटर करना, इन दोनों को इंश्योर करना, ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको रेगुलरली बजटेड नंबर्स बनाने पड़ेंगे, फोरकास्ट करना पड़ेगा चीजों को. इसके लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गवर्नेंस अच्छा है, तो मेरे को अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लगेगा. याद है कि आपको स्ट्रेटेजिक लेवल्स पढ़ाए थे, यू शुड हैव अ कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल. दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विल इंश्योर दैट यू हैव स्ट्रेटेजी एट ऑल थ्री लेवल्स. आपको तीनों लेवल के स्ट्रेटजी पढ़ाए हैं चैप्टर 4, 5, 6 के अंदर, यस और नो? इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जरा देखो एग्जांपल क्या बोलता है. लुक एट दिस एग्जांपल, बजटिंग, रीड दिस एग्जांपल. इन एनी एंटरप्राइज बजटिंग नीड्स टू बी ड्रिवन बाय, यू कैन सी अ वर्ड, विजन. आपको बोला था वो कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका. वॉट एंटरप्राइजेस प्लान्स टू अकम्प्लिश. एंड सर उस याद है क्या, विजन मिशन को अचीव करने के लिए आप रियलिस्टिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करते हो, एंड फिर सर उनको अचीव करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो. दैट इज योर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, एंड देन यू इंप्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी टू सी वेदर यू आर अचीविंग योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और नॉट. सो सर इनडायरेक्टली ये मैनेजमेंट प्रोसेस आपको पूरा स्ट्रेटजिक प्लानिंग को यू नो फ्रेमवर्क बना के अच्छे से फॉलो करने में हेल्प करेगा. आइडियली ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सर आपके बिजनेस के जो भी प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज है उनके अंदर ओवरऑल लेवल पे वैल्यू एडिशन हम करने वाले. तो देखो बोलने के लिए सेम बात है, अगर आप मुझे पूछेंगे ना प्राइमरी एक्टिविटीज को छोड़ के, प्राइमरी प्रोसेस को छोड़ करके दोनों प्रोसेसेस डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यू एडिशन नहीं करके देते हैं.
बट ये प्रोसेस भी इनडायरेक्टली, डोंट यू थिंक, अगर अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रहेगा, आप अगर कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज करते रहोगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते रहोगे, नए स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करते रहोगे, नए स्ट्रेटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, तो सर डोंट यू थिंक आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहेगा आइडियली। ये भी आपके एफिशिएंसी को इंप्रूव करने वाला है, डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यू एड नहीं करेगा बट इनडायरेक्टली आपके सारे बिजनेस प्रोसेस के परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। नीचे लिखे नोट, इवन मैनेजमेंट प्रोसेसेस डू नॉट प्रोवाइड, इवन मैनेजमेंट प्रोसेसेस डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू एडिशन डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, वैल्यू एडिशन डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। हाउएवर, value addition directly to the customers, however a proper strategic planning, however a proper strategic planning or budgeting, proper strategic planning or budgeting can impact the overall efficiency of organization, can impact the overall efficiency of organization, can impact the overall efficiency of organization। मतलब ये जो पॉइंट है ना ऊपर वाला, इसके लिए सेम ही एकदम, क्योंकि इनके हिसाब से जो प्राइमरी प्रोसेस है वो ही डायरेक्टली कस्टमर को वैलिडेशन करके देते हैं। पर आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछोगे ना, इस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। डोंट यू थिंक टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट इनेबलर टूडे? Technology may not be the product, but that is acting as a base which is helping you to deliver a powerful product or a powerful service to your customer. Just imagine, few years back when we used to use Tata Sky, उसका रिचार्ज करने के लिए आपको बाजू के नियर बाय दुकान पे जाना पड़ता था, एक स्क्रैच कार्ड जैसा कूपन खरीदना पड़ता था, उसको स्क्रैच करना पड़ता था, एक नंबर पे कॉल करना पड़ता था, वो डिजिट ऐड करना पड़ता था, फिर वो बोलता था आधे घंटे के बाद में रिचार्ज होगा, आपको येलो बटन प्रेस करना है, उस पर एक मैसेज आएगा। आई एम श्योर हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, यस और नो, वॉज इट लाइक दैट और नॉट? एंड टुडे सी हाउ इट इज, लाइक लिटरली इवन इफ इट इज नॉट एक्टिवेटेड फॉर लास्ट टू मंथ्स और थ्री मंथ्स, यू जस्ट मेक द पेमेंट एंड इट एक्चुअली गेट्स एक्टिवेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस। डोंट यू थिंक इट्स अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द सर्विस? इट इज बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी एंड आई फील दैट आई एम गेटिंग अ डायरेक्ट वैल्यू एडिशन एज अ कस्टमर। While they may still argue that actually में technology आपको perfect validation customer तक pass on करके नहीं देगा, मैं वापस से बता रहा हूँ, यहाँ बहुत चीजें argue की जाएगी, पर मेरे को आपको पहले बताना है conventionally क्या लिखा है, हम real life में उसको कैसे देखते हैं वो हमारे ऊपर है, कहीं कहीं पे हम खुद ही discussion करेंगे, खुद ही इनके against चले जाएंगे, बट लिखेंगे नहीं, लिखेंगे वही जो उन्होंने बोला है। Do you understand this? क्या आपको तीन processes समझ में आए क्या? Giving you 1 minute, आराम से business process का मतलब पढ़ो, शांति से तीनों categories को पढ़ो। किस्मत अच्छी हुई, पहले चैप्टर से यही क्वेश्चन आ गया 4 मार्क के लिए, तो लॉटरी है, आया है। दे विल आस्क एवरी पॉसिबल क्वेश्चन, डोंट वरी, दे विल नॉट लीव एनीथिंग। इजीएस्ट से इजीएस्ट और वाहियात से वाहियात, यू विल अंडरस्टैंड दैट। स्पेंड 2 मिनट्स। कंफर्टेबल, ईजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो नेक्स्ट हेडिंग, ये हो गया बिजनेस प्रोसेस के ऊपर कंटेंट, बिजनेस प्रोसेस का हेडिंग हो गया एंड टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस हो गए। नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, डैश करके लिखो, डैश करके लिखो। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू इंप्रूव, सिस्टमैटिक अप्रोच टू इंप्रूव, इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू इंप्रूव
डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस टू इंप्रूव डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस टू यू नो इंप्रूव डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस फुल स्टॉप. दिस विल हेल्प इन अचीविंग द फॉलोइंग. दिस विल हेल्प इन अचीविंग द फॉलोइंग. नंबर वन एफिशिएंसी. नंबर टू इफेक्टिवनेस. एंड नंबर थ्री इकोनॉमी. एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी. देखिए सिंपल शब्दों में इसका मतलब समझा देता हूं, हालांकि इसके ऊपर और कुछ लिखा हुआ नहीं है. बेसिकली ये बता रहा है यहां से अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने का है, बेटर मैनेज करने का है, ब्रिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये तीनों के तीनों ना एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ दीज थ्री वर्ड्स. इन जनरल इनका मतलब क्या होता है? ये इकोनॉमिक रेफर करता है इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज. इकोनॉमी रेफर करता है टू इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज. मतलब अगर आप बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज करेंगे तो आप अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे. मतलब सर यू विल बी एबल टू कीप एन आई कि कहीं रिसोर्सेज का वेस्टफुल तरीके से यूसेज तो नहीं किया जा रहा है. वी आर नॉट वेस्टिंग आर सर्टेन रिसोर्सेज इन सर्टेन प्रोसेसेस. ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एग्जाम्पल बोलता हूं, रियल लाइफ में जब आप ऑडिट करने के लिए या एज अ एडवाइजर कंट्रोल्स को चेक करके इंप्रूव करने के लिए जाते हैं ना, हम सिर्फ यही नहीं ढूंढते कि सर जहां जहां रिस्क है वहां कंट्रोल नहीं है, मतलब सर कंट्रोल मिसिंग है क्या, वो तो देखना ही होता है. कभी कभी ये भी देखते हैं कोई यूजलेस कंट्रोल भी है क्या. मतलब एक रिस्क है उसके लिए तीन कंट्रोल लगाए हुए हैं. मतलब जहां पर अननेसेसरीली आपने दो कंट्रोल से पैसा या रिसोर्सेस खर्च किया है पर उसकी जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली में ऑलरेडी एक अच्छा कंट्रोल है जो उस रिस्क को मिटिगेट कर रहा है. आप अननेसेसरीली दो और एडिशनल कंट्रोल लगा करके रखें जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं है आइडियली स्पीकिंग. मतलब सर समटाइम्स यू रियलाइज देयर कैन बी सच irrelevant controls which are actually not adding any value. तो आपको वो controls भी identify करना चाहिए जिससे कोई value addition नहीं है, इससे मैं economical usage को support कर पाऊंगा. तो business process management आपको ये सिखाएगा. अलग अलग process क्या होता है समझ गया, बट आपने उनको evaluate करना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप as a organization अपने processes को effective बना सके. effective मतलब जो desired goal है उसको achieve करने में help कर सके, जो डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं. जो एफिशिएंसी है ना, एक्चुअली में ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. इन रियल लाइफ दिस इंक्लूड दिस प्लस दिस. इफेक्टिवनेस इज अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब कम से कम रिसोर्सेज. जब आप इकोनॉमिकल सोच रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आप सोच रहे हो रिसोर्सेज का इस्तेमाल बेस्ट होना चाहिए. जब आप इफेक्टिवनेस के बारे में सोच रहे हो तब आप रिसोर्सेज नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए. सो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव. This is about resources. This is about इन दोनों का combination. अरे याद करो, कम से कम input में best possible output. तो actually में efficiency एक broader concept है. वो efficiency indirectly बोलता है objective भी achieve करो with the least possible resources. तो efficient होना मतलब economical होना भी है and effective होना भी है. Real life में इस तरीके से bifurcation होता है. But in general कोई तो process को शायद effective बनाना होगा, किसी को शायद कंप्लीटली इकोनॉमिकल यूसेज के लिए बनाना होगा, या किसी को आपको एफिशिएंट बनाना होगा. एफिशिएंसी इन रियल लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस प्लस इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज. एफिशिएंसी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. रादर अगर सेंटेंसेस में सिर्फ एफिशिएंसी बोल दिया है, मतलब इफेक्टिवनेस भी कवर हो गया एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज भी कवर हो गया. समझ रहे हो क्या मेरा बात? दैट इज हाउ द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग इज. बट बोलने के लिए हमको सब अचीव करना है, क्योंकि हम जनरल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं. बेसिकली आपको ये बीपीएम के अंदर और कुछ नहीं है, इतना सा दिया है ताकि आप अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाए. दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मैनेजमेंट. मतलब अल्टीमेटली ये सब कुछ क्या है? दिस यू विल अचीव ऑल दिस थ्रू व्हाट? थ्रू आईटी. ये आईटी के एडवांटेज है यार. मतलब अपने प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तड़का लगाओ, कैसे आप चीजों को थोड़ा थोड़ा ऑटोमेट कर सकते हो. मतलब आप किसकी तरफ जाओ? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की तरफ बढ़ो. अभी के लिए बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्लियर है. बीपीएम के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मतलब है अपने प्रोसेसेस को मॉनिटर करके इंप्रूव करना ताकि वो अच्छे से आपके बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाए. बेसिक मीनिंग है. अभी गुड टिल नाउ. बिफोर आई गो टू बीपीए आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग इन द मॉड्यूल. फटाफट से आ जाओ. 1A.2 Can you see introduction to EIS?
अभी मत पढ़ो, अभी नहीं समझ सकते हो। मैंने आपको बताया नहीं ना ईएस का मतलब क्या है, अभी नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए चैप्टर टू खत्म करना पड़ेगा पहले, देन विल कम हियर, डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। कैन यू सी एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेसेस, पॉइंट नंबर ए पढ़िए एक बार शांति से, डेफिनेशन है कि हमने ऑलरेडी लिख लिया है, समझ लिया है। दिस इज अ प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो अलॉन्ग विथ मी, एक बार अच्छे से रीड करना है, कुछ वर्ड्स हमने स्किप किए तो आइडेंटिफाई करना है। समरी लिमिटेड बना सकते हैं, सब कुछ नहीं कवर कर सकते हैं, पर पढ़ना सब है। रीड पॉइंट नंबर ए, इज दैट द डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ज्ञान दे रहा है क्या? मैं नहीं, पॉइंट नंबर बी, नीचे सीधा बीपीएम आ गया डायरेक्टली बीच में ही, अपने हिसाब से कैसे भी लिखेंगे वो, तुमको समझता है बीपीएम का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, बीपीएम होता क्या पढ़ लो। पॉइंट नंबर डी, ठीक है। अब देखो एक डायग्राम दिया, एक कंपनी में विजन मिशन सब बनाना पड़ेगा आपको आइडियली, फिर तीन प्रोसेस बना के दिए उसने आपको, अरे हाँ है ना, ऑपरेशनल प्रोसेसेस विद योर सपोर्टिंग प्रोसेसेस एंड देन योर मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ये दोनों मिलकर के इसको एक्सेल करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। नीचे देखो तीन कैटेगरीज ऑलरेडी पढ़ाई गए डिटेल में, अगले पेज पे आ जाओ, चेक करते जाओ फटाफट से, ऑपरेशनल प्रोसेस रीड कर लो एक बार। एग्जाम्पल मैंने लिख करके दिया है, आपके सिलेबस में नहीं है, ऑर्डर टू कैश का एग्जाम्पल, सिर्फ रेफरेंस के लिए, आगे काम में आएगा वैसे भी, डोंट वरी, सिर्फ रेफरेंस के लिए रीड कर लो, सेल्स प्रोसेस है यार। टाइम पास सब पढ़ने का है, सपोर्टिंग भी पढ़ने का है, तीनों प्रोसेस पढ़ने का, एक बार समराइज करके दिया मैंने आपको, फिर भी एक बार रीड कर लो। Have you covered everything? ये आज का एग्जाम्पल तुम्हारे लिए होमवर्क है, बहुत लाइफ चेंजिंग एग्जाम्पल है, खुद से पढ़ना, ये तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा आपको। कैसे एक कंपनी 10,000 करोड़ अचीव करना चाहता है रेवेन्यू में, तो वो अपने कैसे अलग अलग प्रोसेस को डिजाइन करेगा, ये तो आपको होमवर्क में पढ़ना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट है वो, यूजलेस है, पढ़ लेना एक बार। कम टू बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, तो देखो चैप्टर वन में है, पार्ट ए पढ़ रहे हैं, पार्ट ए में सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस क्या होता है खत्म कर दिया, एंड देन द सेकंड पार्ट, दिस इज वेयर देर आर एक्सट्रीमली हाई चांसेस ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन बिकॉज द चैप्टर नेम इज दिस, एंड देन यू विल रियलाइज चैप्टर का नाम जो था वो तो पार्ट ए में खत्म हो गया, बी सी डी ई जो आगे के 60-70 पेज हैं वो अलग ही लिखे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम दिया ही नहीं जा सकता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। यहाँ पर लिटरली कुछ कुछ चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट्स है, गिविंग इट अ नेम इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग आइडियली, तो उनको लगा स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पहला यही है, यही नाम है। लेट्स स्टार्ट विद बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है। देखो आपने जो बिजनेस प्रोसेस को भी समझा है, आप एक काम कीजिए, एड टेक्नोलॉजी इन दीज प्रोसेसेस, बट आप सोच समझ के टेक्नोलॉजी को एड कीजिए, मतलब आप चाहते हैं ये प्रोसेसेस थोड़े इंप्रूव हो जाए, और अगर टेक्नोलॉजी को एड किया जाए तो शायद क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, कॉस्ट, एक सोचो ना कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, व्हाई डू वी हैव कंप्यूटर, बेसिक स्कूल लेवल कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, सेम ट्रांजैक्शन बार 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 एग्जीक्यूट किया तो कंसिस्टेंसी इंप्रूव होता है ना यार, सेम ट्रांजैक्शन तुम एंटर करते जाएगा, और मैं बोलता हूँ सिस्टम ऑटोमेटिकली, चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, दिस समथिंग कॉल्ड एज सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शंस,
एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा समझ जाएगा, सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस विच आर जनरेटेड बाय सिस्टम्स ऑटोमेटिकली। बैंकिंग कंपनी आफ्टर एवरी क्वार्टर, क्वार्टर एंड होता है 31st को, 30th को या नेक्स्ट डे 1st को, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रेडिट डेबिट हो जाता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये कोई बैठ के एंट्री पास करता होगा हर कस्टमर के अकाउंट के अंदर आइडियली? डोंट यू थिंक देयर विल बी अ सिंपल एल्गोरिथम इन द सिस्टम? वो आपका रिस्पेक्टिव एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करता होगा, फिर आपका कौन सा कैटेगरी ऑफ अकाउंट है वो देखता होगा, क्या रेट ऑफ परसेंटेज से आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए या चार्ज होना चाहिए डिटरमाइंड रहेगा, एंड वो ऑटोमेटिकली एक एंट्री पास कर देगा, यस और नो? अगर यही काम अगर मैं बोलूं फॉर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स मैन्युअली होगा, देर विल ऑलवेज बी ए चांस ऑफ मिस्टेक्स, गलती हो सकता है कि नहीं हो सकता है आइडियली। इसीलिए सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन या टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी प्रूव करने में हेल्प करता है, एंड टाइम कितना सेव होगा। अदरवाइज सिर्फ इंटरेस्ट का एंट्री पास करने में मेरे को एक हफ्ता लग जाएगा अगर मेरे सारे के सारे एम्प्लॉयज मिलकर यही काम करेंगे तो। पर एक जमाने में होता था रादर, इसीलिए ईयर एंडिंग आया ना, लास्ट 10 दिन काम ही नहीं करता था बैंक और अगले 5 दिन काम नहीं करता था, क्यों? बुक्स क्लोजिंग करने के लिए। मैनुअल इंटरवेंशन इतना ज्यादा था कि एक ह्यूमन बींग इन सब चीजों को फिजिकली मैनुअली क्लोज करेगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट नाउ इफ मेजोरिटी पार्ट इज एक्चुअली इंटीग्रेटेड विद अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल पार्ट, तो मतलब चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस करेगी, टाइम सेव करेगी, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए वो आपको बताएगा क्यों आपने अपने कुछ बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहिए। देखो इनका जो एक एग्जाम्पल है वो तो बहुत ही डेंजरस है, मतलब इतना डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम्पल वो पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं तुमको ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स और दूंगा। डू यू नो दैट अमेजॉन अक्वायर्ड अ रोबोटिक कंपनी ओनली फॉर ऑटोमेशन? दे अक्वायर्ड अ कंपनी ईयर्स बैक फॉर ऑलमोस्ट $800 मिलियन, 6,000 करोड़ के अंदर, समझ रहे हो मेरा बात? सिर्फ एक कंपनी को अक्वायर किया था प्योरली अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई विल शेयर 2-3 वीडियोज विथ यू दैट हाउ अमेजॉन का जो वेयर हाउसिंग फंक्शन या जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट फंक्शन है वो सेमी ऑटोमेटेड है, दैट हाउ देयर इन हाउस डेवलप्ड मोर देन 2,000 रोबोज टेक केयर ऑफ देयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। देयर इज अ ह्यूमन इंटरवेंशन, वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड नहीं बोलता है, इट इज सेमी ऑटोमेटेड, बट हाउ थिंग्स हैव सिग्निफिकेंटली चेंज फॉर देम। रादर दे से बाय एक्विजिशन ऑफ दैट कंपनी, कीवा नाम था उसका एक जमाने में, सुना है क्या नाम? देर इज नो लैग। बोल रहा है ये कनेक्ट होना चाहिए फिर यार, लास्ट ट्राई। फेक आईपैड बोलता है, मार डालेगा, यूजलेस आईपैड फेक। और उसका क्या रिलेशनशिप है कनेक्टिविटी से? बेटा कनेक्टिविटी इज द इशू, फेक आईपैड जाना दो। वो चाहता है थोड़ी देर बाद में अपन रिविजिट करेंगे इसको, वो चाहता है थोड़ी देर तुम सिलेबस के साथ में रहो। अरे वो बता रहा है तुमको, यू स्टिक टू द सिलेबस फॉर सम टाइम। अरे लेट मी गिव यू आईसीआई एग्जांपल, नो व्हाट इज बीपीए? आईसीआई का एग्जांपल देखने के नहीं देखने गए? नहीं देखे, नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग, चलो शाबाश। अरे विल कम बैक, आई विल ओपन, डोंट वरी, होगा, रिलैक्स। मैं क्या बोला ना, हम 15-20 मिनट से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, जहां भी लग रहा टाइम वेस्ट हो रहा है मैं इमीडिएटली वापस आ जाऊंगा। तुमको आर्टिकल भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, सब मिलेगा, रिलैक्स, ठीक है? हाँ, नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मार्क एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन अंडर दैट पॉइंट नंबर ए। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन अंडर दैट पॉइंट नंबर ए, it is technology enabled
ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज, इट इज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज टू अकम्प्लिश, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑर्डर फुलफिलमेंट, और ऑर्डर फुलफिलमेंट एटसेट्रा, फुल स्टॉप कंटिन्यू. अंडर बीपीए, अंडर बीपीए द मेन टैक्टिक, अंडर बीपीए द मेन टैक्टिक इज टू, द मेन टैक्टिक इज टू ऑटोमेट, मेन टैक्टिक इज टू ऑटोमेट एग्जिस्टिंग कोर बिजनेस प्रोसेसेस, ऑटोमेट एग्जिस्टिंग कोर बिजनेस प्रोसेसेस टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. देखो सिंपल बात है, ए एक्चुअली में बीपीआर ही है, बस अलग शब्दों में है. मतलब आपके जो कोर बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू इतना इंप्रूव करो, री इंजीनियरिंग करो, ताकि सर वो प्रोसेसेस बेटर तरीके से काम कर पाए, बेटर आउटपुट आपको अचीव करने में हेल्प करके दे. मतलब सर उनका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव होना चाहिए. सो मतलब कोई भी बिजनेस प्रोसेस जहां पर आपको लगता है चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई नेगेटिव चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उनको इंप्रूव करने के लिए यू नो शुरू करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए, प्रोसेस नया चेंज करना चाहिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. एग्जाम में क्या आता है, बीपीए क्या है, बीपीए को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या है. तो सर व्हाट आर द स्टेप्स, थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग देता हूं, फिर आपको एक आईसीए का एग्जांपल दिखाता हूं, एंड देन होपफुली विल कम बैक टू अमेज़न रोबोटिक्स. आ जाइए, लेट्स कम टू स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द बीपीए. कम टू पेज नंबर 1A.11, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट अ बीपीए. बहुत सारे स्टेप्स, डोंट वरी, टेंशन मत लो. पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूं, आराम से समझिए, धीरे धीरे धीरे, बहुत सिंपल सा है एक्चुअली में. समझने के लिए ट्राई करोगे तो इट विल बी सिमिलर टू, याद है क्या, जैसे बेंचमार्किंग लगाया था, बीपीआर लगाया था, याद है स्टेप्स टू इंप्लीमेंट बीपीआर, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग में शेर वाला स्टोरी पढ़ाया था, टाइगर वाला स्टोरी बताया था कि नहीं बताया था, आईसीए का तुमको यार क्या यार भूल जाते हो. चलो सर, हमको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन लगाने का क्या स्टेप्स रहने वाले. सबसे पहले 100% आपका कोई ना कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस रहेगा जिससे आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो. मतलब हो सकता है मेरे कस्टमर्स को टाइमली बेसिस पे रिफंड नहीं मिल रहा है, मेरे कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस के लिए प्रॉपर मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, या सर कस्टमर फीडबैक बहुत पुअर रहेगा, या सर मेरे पास में स्टॉक में आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन हो रहा है, बट वी डोंट इवन रियलाइज दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस आउट ऑफ स्टॉक वी आर लूजिंग लॉट ऑफ कस्टमर्स आइडियली. मतलब सर कोई ना कोई प्रोसेस में यू आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस और नेगेटिव सिनेरियोस, इस वजह से आप सोचेंगे दैट आई नीड अ बीपीए. सबसे पहले व्हाई यू नीड अ बीपीए, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो एज अ कंपनी, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ताकि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बीपीए क्यों इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है. नंबर वन, व्हाई बीपीए. नंबर टू, जिस प्रोसेस में आपको बीपीए लगाना है उस प्रोसेस के अंदर क्या कुछ कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या. एग्जांपल सुनो, अगर मैं बात करता हूं प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का, आपने रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए होंगे, तो मैं चाहता हूं ऑटोमेशन हो बट मेरे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. मतलब आपको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करते पता होना चाहिए क्या कुछ आपके इंटरनल रूल्स हैं या मे बी एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं. इट कैन बी योर फैक्ट्रीज एक्ट, वेजेस एक्ट, कुछ आपके यू नो लेबर लॉज हो सकते हैं, बाकी सारे जो लॉज है. मतलब सर आपको सेकंड में, बिफोर यू थिंक ऑफ ऑटोमेटिंग अ प्रोसेस, थिंक अबाउट एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस. दीज रूल्स कैन बी इंटरनल और इट कैन बी एक्सटर्नल रेगुलेशंस, कुछ भी हो सकता है, बट उस प्रोसेस के अराउंड क्या क्या चैलेंजेस है ये आपको मालूम होना चाहिए. नंबर वन,
5 बीपी है, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो। नंबर टू, इस प्रोसेस में क्या एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो उनको समझना पड़ेगा। थर्ड, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करो। याद है क्या, सेम चीज बेंचमार्किंग में भी था, सेम चीज बीपीआर में भी था। एग्जिस्टिंग प्रोसेस को लिखने से पता चलेगा एग्जिस्टिंग प्रोसेस में अच्छा क्या है बुरा क्या है। एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगा दैट ओके आउट ऑफ दीज स्टेप्स आर रिडंडेंट, दे आर नॉट दैट वैल्यू एडिंग स्टेप्स, हमेशा इनको निकाल देना चाहिए। याद करो बीपीआर का ऑब्जेक्टिव क्या था, आप सर 10 स्टेप में से जो नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स उनको निकालना चाहते थे, आप अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे, सिंप्लीफाई करना चाहते थे कि कम से कम स्टेप्स के अंदर हम वो जो डिजायर्ड पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए, यही बताया था कि नहीं बताया था। तो यहां पर भी पहले अपना एग्जिस्टिंग प्रोसेस को नोट डाउन करो, उसमें एग्जैक्टली क्या क्या है ये पूरा समझो, इससे क्लैरिटी आएगा, पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। फिर सर आप नया प्रोसेस जो बनाना चाहते हो, जो ऑटोमेशन लेके आना चाहते हो, उससे अचीव क्या करना चाहते हो, व्हाट आर योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल मेरा अभी का प्रॉब्लम है, मेरे कस्टमर को टाइमली बेसिस पे फीडबैक कॉल या मैसेज नहीं जाता है, तो मैं चाहता हूं उसको कॉल या फीडबैक मैसेज विद इन 24 आवर्स जाना चाहिए। डिफाइन तो करो आपको अचीव क्या करना है, अभी प्रॉब्लम समझा, अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस समझा, अब डिफाइन करो व्हाट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यू एक्चुअली वांट टू अचीव, ताकि अगर आपने ऑटोमेशन कर तो दिया, आफ्टर ऑटोमेशन लगाने के बाद जब इवैल्यूएट करूंगा पता चलना चाहिए ना जिस पर्पस के लिए ऑटोमेट किया तो पर्पस अचीव हुआ या नहीं हुआ है, मतलब फॉर दैट पर्पस जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था क्या वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। नंबर वन वाईबीपी है, नंबर टू एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तीसरा एग्जिस्टिंग प्रोसेस को लिखूंगा उसको समझूंगा अच्छा क्या है बुरा क्या है क्लैरिटी आएगा, नंबर फोर व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस न्यू प्रोसेस वो मेरे को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना पड़ेगा। आपके बुक के हिसाब से स्टेप नंबर फाइव है नाउ सर्च फॉर अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट। आई थिंक दैट शुड बी नंबर टू। फर्स्ट यू फाइंड अ प्रॉब्लम, देन यू हायर अ कंसल्टेंट, बाकी सब उसने करना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। नहीं, मॉड्यूल बोलते हैं नंबर फाइव में फाइंड अ कंसल्टेंट, एक्सपीरियंस कंसल्टेंट चाहिए जिसको मालूम है इस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करना है। वापस से पहला स्टेप क्या था, वाई बी पी ए, दूसरा चीज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या समझूंगा, तीसरा एग्जिस्टिंग प्रोसेस लिखूंगा उसके बारे में क्लैरिटी लूंगा अच्छा बुरा पार्ट क्या आइडेंटिफाई करूंगा, नंबर फोर अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करूंगा, फिर मैं कंसल्टेंट को हायर करूंगा। और सुनो बेस्ट पार्ट, कंसल्टेंट को हायर करने के बाद फिर बोलता है अब आरओआई निकालो प्रोजेक्ट का, मतलब आप इस कंसल्टेंट को हायर करके लेट्स से 1 मिलियन का फीस देने वाले हो तो 1 मिलियन का फीस लगाने के बाद में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद में बेनिफिट कितना आएगा, सर 1 मिलियन खर्च करके 1 मिलियन ही मिलेगा तो फायदा क्या है, आई शुड गेट 4x 8x 10x 100x ऐसा बेनिफिट मिलना चाहिए ना मेरे को यार। तो ये चीज कंसल्टेंट ने, रियल लाइफ में कंसल्टेंट आपको एक प्रपोजल बना के देता है। आइडियली स्टेप वन के बाद कंसल्टेंट आता है, वो सब कंसल्टेंट लगाता है, कंसल्टेंट बोलता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस ये है, आपको क्या क्या अचीव करना है हमको कम्युनिकेट करके बताओ, दैट विल बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड देन वी कम टू अ आरओआई एनालिसिस कि हमको इतना फीस देना पड़ेगा, इतना टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज लेके आना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे कॉस्ट कितना आने वाला है, टोटल 1 मिलियन से 2 मिलियन खर्च करने वाले हैं, पर आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 20 मिलियन मिलेगा, 30 मिलियन मिलेगा, मतलब क्या बेनिफिट मिलने वाला वो डिफाइन करना पड़ेगा ना, और पता है अकॉर्डिंगली अपनी फीस भी कोट करेगा, फिक्स्ड या वेरिएबल। मैंने आपको बताया था वेरिएबल मतलब कितना बेनिफिट में लेके आऊंगा उसका परसेंटेज चाहिए मेरे को आइडियली, और तू मेरे को फिक्स कुछ भी मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता आइडियली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। इसके बाद में क्या है, कुछ नहीं, नया प्रोसेस बनाने का, इंप्लीमेंट करने का, और इंप्लीमेंट करने से पहले क्या करोगे, टेस्ट करोगे, खत्म। रियल लाइफ में एक्चुअली में कंसल्टिंग ऐसे ही वर्क करता है, एक्सेप्ट फॉर इनके हिसाब से स्टेप फाइव में कंसल्टेंट आता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड, क्या आपको स्टेप समझ में आया क्या? एटलीस्ट एक बार स्टेप्स का हेडिंग मेरे साथ में पढ़ो, फिर मैं आपको आईसीए का एक एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे अप्लाई होता है, फिर हम उन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए लेट्स लुक एट द स्टेप्स वंस, कम टू पेज नंबर 1A.11, लुक एट स्टेप नंबर वन, लुक एट स्टेप नंबर वन, व्हाट इज स्टेप नंबर वन, डिफाइन व्हाई वी नीड टू इंप्लीमेंट, कैन आई से व्हाई बीपीए, स्टेप वन इज सिंपल व्हाई बीपीए, यहां पे जितना नेगेटिव लिख सकते हो नेगेटिव लिखने का है, हर प्रोसेस के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है मस्त चिपकाने का है। नंबर टू देखो, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन, समझो इधर दोनों चीजें हो सकती है, इट कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों चीजें पॉसिबल है, इट कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो मेरे को समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। नंबर थ्री देखो क्या बोलता है, सर एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कीजिए जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आए एग्जैक्टली हम क्या अचीव करना चाहते हैं।
नंबर फोर देखो क्या बोलता है, सर अपने इस प्रोसेस से रिलेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बनाइए, और आईसीआई बताएगा स्मार्ट गोल्स बनाइए, विल लर्न दैट, डोंट वरी, आईसीआई के सब सब जाएंगे अपन। उसके बाद में देखो क्या बोलता है, एंगेज द बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, उसको हायर कीजिए। याद है क्या, एक एक्सपर्ट को हायर करने से पहले उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इवेल्युएट करना पड़ेगा। याद आ रहा है क्या, यही तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। अगले पॉइंट में जाइए, देखो अगला पॉइंट क्या बोलता है, कैलकुलेट द आरओआई। वहां तुमको एक व्याख्यान देगा कि अगर आपको अच्छा आरओआई ये प्रूव करने का है तो क्या क्या चीज दिमाग में रखनी चाहिए। मतलब जस्ट इमेजिन आपको आरओआई रिपोर्ट बनाने का है एज अ कंसल्टेंट, एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यू हैव बीन हायर्ड एज अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट टू ऑटोमेट अ बिजनेस प्रोसेस फॉर अ कंपनी। आप एक कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को अच्छा आरओआई प्रेजेंट करके दिखाना चाहते हैं। नॉर्मली आरओआई कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, केस स्टडी इज अ जोक, व्हाट दे वांट टू आस्क यू इज दीस पॉइंट्स, हाउ मेनी ऑफ दिस यू कैन राइट इज इंपॉर्टेंट। नंबर सेवन, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर तीन लाइन लिखी है, देखो क्या लिखा है नंबर थ्री में, डेवलप द बीपीए, डेवलप द बीपीए। बीपीए को डेवलप नहीं करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, राइट, जाने दो। लास्ट पॉइंट क्या है, टेस्टिंग द बीपीए, और आगे इंप्लीमेंट करना भी नहीं बताएंगे, इतने स्टेप्स है। मेरे हिसाब से इंप्लीमेंटेशन भी होगा, फिर इवैल्यूएशन भी होगा। याद करो स्ट्रेटजी कंट्रोल, स्ट्रेटजी ऑडिट, असली प्रोसेस का कंप्लीशन तो तब होता है यार, बट इन्होंने आठ स्टेप दिए, आपको आठ ही आने चाहिए। और तुम बोलोगे पांच मार्क का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, हर स्टेप के बारे में एक एक दो दो लाइन आना चाहिए, बात खत्म। डू यू अंडरस्टैंड दिस, सोचो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये, दिस वॉज चैप्टर नंबर वन, वॉट दे वॉन्टेड टू टीच यू, डू यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। Let's do one thing. Let's go to ICAI example. Come to modules page number 1A.17. Technically खत्म हो गया 1A. अगर समझाने का बात होता तो इतना ही था. But अभी बहुत टाइम स्पेंड करना लिखने में. आइए, can you see case 2? Automation of employee attendance system. बहुत मजा आएगा, देखो. देखो, फटाफट 5 मिनट उड़ा देते हैं. एक ही बार पढ़ेंगे. दो केस स्टडी दिए उन्होंने, एक ही मैं अफोर्ड कर पाऊंगा आपके साथ डिस्कस करना, दूसरा वाला उससे भी ज्यादा बोरिंग है। चलो इससे शुरुआत करते हैं, आइए। सो स्टेप नंबर वन, डिफाइन व्हाई वी प्लान टू गो फॉर अ बीपीए। आइए जरा ढंग से पढ़ते हैं डिटेल में, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अरे पढ़ते जाओ फटाफट मेरे साथ में, एक बार रीड करके उड़ा दो, यू नेवर नो, आईसीआई में आस्क यू एन एग्जाम्पल, केस स्टडी पूछ लेगा। आठ स्टेप मत लिखो, आठ स्टेप को कैसे एक केस में अप्लाई करोगे वो लिखो, यू नेवर नो देम। या वो यही चीज को एमसीक्यू में डाल देगा और बोलेगा ये वाला कौन सा स्टेप है, डोंट प्ले विद देम। चलो, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस बीइंग फॉलोड इज नॉट जनरेटिंग कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉई। अच्छा, देयर हैव बीन कंप्लेन दैट सैलरी पे आउट्स आर नॉट एज पर एक्चुअल सिचुएशन इन एवरी कंपनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ बेटर कंट्रोल और वर्स कंट्रोल यू हैव, इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड फ्रिक्शन एंड डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉइज, as some employee feels that employees have been paid more and their salary has not been deducted even if they are absent, like the way you feel in school. Next, understand the rules and regulations which you need to comply. Dekho, Factories Act, Payment of Wages Act, State Laws, etc. ye sab dimag mein consider karna padega, jahan unko lagta hai na bahut technical hai wo kuch likhte nahi. Number 3, document the process we wish to automate. Beautiful process, please read. The present system includes an attendance register and a register at the security. अरे मैं कुछ नहीं कर सकता है. Employees are expected to put their signatures. The register. क्या कर सकता है मैं? अरे मैं बोल रहा है तुम वेट करो, कुछ कुछ एग्जाम्पल हर चैप्टर में इतने डेंजरस रहेंगे ना, और तुमको क्या लग रहा होगा कि मेरे को मजा रही है, पर मेरे को तेरे को आठ स्टेप पढ़ाने ही पड़ेंगे, और अगर केस स्टडी आया तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ऑप्शन। तो प्लीज फटाफट से रीड कर लो स्टेप 3 एक बार, जल्दी से जल्दी। पॉइंट नंबर सी मजेदार है, एन एम्प्लॉय कमिंग लेट बाय 30 मिनट्स फॉर 2 डेज इन अ मंथ शैल हैव अ हाफ डे सैलरी डिडक्शन। पढ़ पढ़ जल्दी जल्दी आगे देखो, ओवर राइटिंग इन द अटेंडेंस रजिस्टर, ये तो लिख रहे स्कूल लेवल लिटरली।
फोकस होना इसे मॉड्यूल, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अभी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना अपने को आगे। ऑब्जेक्टिव नंबर वन, करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ मंथली अटेंडेंस ताकि आपको सैलरी टाइम पे मिले, एंड टू एंश्योर कंप्लायंस विद स्टैट्यूज, मतलब एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब होना चाहिए। एंगेज अ कंसल्टेंट, ओके, एक्स वाई जेड, ROI देखो, सबसे बेस्ट ROI है, देखो जरा, बेटर एम्प्लॉय मोटिवेशन, रिड्यूस प्रॉब्लम बिटवीन एम्प्लॉयज, मोर फोकस ऑन वर्क रादर देन सैलरी, लाइक मोर फोकस ऑन सिलेबस रादर देन व्हेन विल ही लीव। लास्ट पॉइंट, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या कर सकते हैं यार। चलो अभी अच्छा चीज, पॉइंट नंबर सेवन पढ़ो ढंग से, इन्होंने थोड़ा थोड़ा ठीक प्रोसेस बनाया है। चलो ठीक है, बेसिकली उसको चाहिए प्रोसेस में थोड़ा सा आईटी लेके आ जाओ प्लीज, कहीं इधर भी जिधर पॉसिबल है थोड़ा सा लेके आ जाओ ना प्लीज, वो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है। एक केस वन और है, केस वन, इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा एक बार, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है प्लीज, टाइम पास है एकदम। नोटबुक्स निकालिए, नेक्स्ट सेटिंग, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट अ बीपीए, नोटबुक्स निकालिए, नेक्स्ट सेटिंग, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट अ बीपीए, देखो बेटा, हा एमेजॉन, लेट अस फिनिश द स्टेप्स, कैसे पॉसिबल है यार, सुनो, Amazon acquired a company called Kiva. Can you see acquisition by Amazon? In March 2012, they acquired Kiva Systems for 775 million. And इसके पहले Kiva System indirectly आपके warehouses के अंदर products का distribution, assembly, वो सब manage करने के लिए automated robots develop करता था. And they used to work for a lot of specific clients across US. Amazon saw a potential, rather, this is उस जमाने के अंदर one of the biggest possible acquisitions. मतलब मैं 2012 का बात कर रहा हूँ जब उन्होंने 775 million दिया, मतलब almost 0.75 billion dollar. मतलब 6000 करोड़, 5 से 6000 करोड़ उस जमाने के अंदर. Do you get my point? And people say उस जमाने के अंदर इस कंपनी का revenue was nothing in comparison to what Amazon paid. And that even raised a lot of questions. This was not even when Amazon was profitable. This is 10 years back from, अभी यहाँ से 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं. Amazon profitable 2016-17 के बाद होना शुरू हुआ. मतलब उस जमाने में इतना पैसा pay करना was a very big question mark. But then Amazon in their respective press releases and said that I'm currently more than 2.5 to 3 billion dollar खर्च करते हैं इन चीजों को manage करने के लिए. So what we have acquired is just that हम हमारा in-house distribution robotics को इतना strong करना चाहते हैं that actually के अंदर देखो in a country like US, UK, Australia, Canada, human resource बहुत मुश्किल से मिलता है. देखो in India, China, human resources are abundantly available, but उन countries में बहुत मुश्किल है.
एंड उन कंट्रीज के रेस्पेक्टिव जो स्टेट लॉज है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। मतलब आपको जो पर आर टैरिफ पे करना पड़ता है या जो वेजेस पे करनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली। और अगर कोई कंपनी उसके अगेंस्ट जाता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 2015-16 तक जेफ बेजोस के अगेंस्ट में इतना अमेजॉन वर्कर्स ने कंटेंट ऑनलाइन रिव्यू के फॉर्म में डाला था दैट ही वॉज ऑलमोस्ट प्रोबेबल ऑफ बींग डीथ्रोन्ड, कि इसको हटा देंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट वर्किंग अबाउट एम्प्लॉयज एट ऑल। रादर दैट मेड हिम स्टेप डाउन अ लिटिल बिट फ्रॉम हिज स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही हिमसेल्फ आफ्टर 2015-16 वेंट फॉर अ स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड फॉर हिज पब्लिक इमेज। ही स्टार्टेड अटेंडिंग दोज इवेंट्स, सेमिनार्स, स्टार्टेड डोनेटिंग लॉट ऑफ मनी, स्टार्टेड क्रिएटिंग अ कल्चर वेयर ही इज अबाउट पीपल, बिकॉज इतना ज्यादा नेगेटिव, बिकॉज इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस इफ यू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट दे मे पुट ऑन अ रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी कंपनी, इट डजेंट मैटर हु दैट कंपनी इज, इट इज वेरी कॉमन। सो अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल या स्ट्रांग बनने लग जाए तो लोग उसको पसंद नहीं करते। रादर इसीलिए ही हैड टू अक्वायर, जो इंडिया का जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है वैसे वहां का मीडिया चैनल्स, धीरे धीरे सब कुछ अक्वायर करना पड़ा ताकि थोड़ा सेंटिमेंट कंट्रोल में आए, वरना इट वॉज सो मच अगेंस्ट मिस्टर जेफ वंस अपॉन अ टाइम कि ऐसा लग रहा था दैट ही विल नॉट इवन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स विदाउट एनी डाउट। एंड सच एक्विजिशंस वर एक्चुअली वेरी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। वॉट ही थॉट इज दिस कंपनी इज डेवलप्ड गुड रोबोटिक्स आर्म, ये अच्छे कंपनीज के लिए काम करता है। आप शॉक क्या होंगे, जैसे अक्वायर किया सबसे पहले विद इन अ वेरी फ्यू मंथ्स एंड डेज जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के ऑर्डर्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सब कैंसिल कर दिए, सेल्स वाले सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, सेल करने का जरूरत ही नहीं, दिस कंपनी इज नॉट फॉर सेल, दिस कंपनी विल मेक प्रोडक्ट्स, डेवलप टेक्नोलॉजी ओनली फॉर आवर कंपनी, वी डोंट वॉन्ट आवर पॉलिसीज आवर प्रोडक्ट्स टू बी कॉपीड बाई एनी वन एनी वेयर इन द वर्ल्ड लिटरली। एंड इसके बाद में बहुत ज्यादा यू नो वीडियोज धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आने लगे दैट हाउ कीवा इज रीवैम्पिंग Amazon's inventory management. I'll share such one or two videos with you. 10 मिनट का एक आध वीडियो रहेगा जहां पर एक्चुअली वो स्टेप बाय स्टेप, और ये सब पता है किसकी वजह से हुआ, यू विल बी शॉक्ड अबाउट बाय अ कंपनी कॉल्ड AWS, Amazon वेब सर्विसेस। AWS सुना आपने, लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि Amazon AWS में पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, इट डजेंट इवन मेक सेंस। रादर आज की तारीख में Amazon के लिए सारा फोरकास्टिंग, सारा प्रिडिक्शन, सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट का मैकेनिज्म इज ऑल ड्रिवन बाय AWS। AWS लुक्स लाइक कि प्लेटफॉर्म बाकी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, बट एक्चुअली में उसका जो मेजोरिटी पार्ट है वो डेडिकेटेड Amazon के लिए काम कर रहा है। सो जस्ट इमेजिन, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग, जो दुनिया के अंदर टॉप 5-10 के अंदर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जो लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सर्वर दे ही रहा है होस्ट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम मतलब सोचो लोगों का डेटा उसके पास में है, प्लस जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो खुद के पास प्रोटेक्टेड है बाई डिफॉल्ट, बिकॉज डेटा इज गोइंग टू बी एवरीथिंग इन द कमिंग ईयर्स आइडियली। सो इफ यू सी देयर एक्विजिशंस वर वेरी वेरी स्मार्टली प्लान्ड एंड दे वांटेड स्लोली स्लोली टू ऑटोमेट छोटे छोटे प्रोसेसेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल उस वीडियो में कैसे दिखाएगा कि कैसे एक स्मॉल रिटेल शॉप वाला आदमी है, उसके पास जो उसका उसने अमेजोन पे जो लिस्ट किया ना प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स कैसे अमेजोन के वेयरहाउस में पड़ा रहता है। अब अमेजोन प्राइम बोलता है ना विद इन 1 डे डिलीवरी, विद इन फ्यू आवर्स डिलीवरी, वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज प्रॉपरली टैग्ड एट रिस्पेक्टिव लोकेशन एंड वेरी ह्यूमन इंटरवेंशन इज सो लेस, लिटरली हर एक एक आपको नोटिस करेंगे कि एक कंटेनर में रैंडम 4-5 टाइप के प्रोडक्ट पड़े हैं, बिकॉज एक रिटेलर क्या क्या बेचता है सब कुछ एक जगह पे, एंड इट इज ऑल स्टोर्ड एट वन सिंगल नेटवर्क, सो दैट इफ सम इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड देर नेवर रॉन्ग दैट इट इज आउट ऑफ इन्वेंट्री, इफ इट इज आउट ऑफ इन्वेंट्री इट इज ऑलवेज सिंग देर, बिकॉज एवरी टाइम अ प्रोडक्ट इज शिप्ड automatically inventory gets updated on a real time basis, rather not just shipped, as soon as the order is received inventory gets updated automatically, are you understanding my point? So ye is tarike se unhone kaise apne sare ke sare processes ko order receive karne se leke fulfill karna, apne suppliers ke through unke goods ko store karna, time pe ye goods ko pahunchana, rather har retailer apna goods jab uske warehouse se bhejta hai na, us warehouse ke upar bhi time zone rehta hai ki is time, this something called as time stamping, कितने टाइम पे कब एग्जैक्टली क्या क्या चीजें सिस्टम के अंदर एंटर हुई थी वहां से, सो देयर इज अ ट्रेल ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम व्हेन दे गेट द प्रोडक्ट, व्हेन दे गेट द ऑर्डर, हाउ इट गेट्स शिप्ड, एवरीथिंग इज स्टैम्प्ड, ताकि गलती सप्लायर का है अमेजोन का इमीजिएटली डिटेक्ट होगा। इसलिए याद होगा आपको, रियलाइज होगा धीरे धीरे अमेजोन ने कॉन्सेप्ट यू नो लॉन्च किया था, अमेजोन फुलफिल्ड बाय अमेजोन, थर्ड पार्टी है बट फुलफिल्ड बाय अमेजोन का मतलब इनडायरेक्टली यहां पर
इन्वेंट्री का जो स्टॉक, मतलब जो यू कैन से कंट्रोल है, वो अमेज़न के पास में है. द इन्वेंट्री इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी आइडियली. दैट इज वाई दे सेड इज फुलफिल्ड बाई अस, बिकॉज वी नो वी कैन इंश्योर दैट इट विल फुलफिल्ड बाई आर चैनल्स आइडियली. मतलब इस तरीके से अभी इंडिया में फिलहाल कंपेरेटिवली बहुत कम स्केल पे, अभी फिलहाल यहां पर ऑटोमेशन के बजाय ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है. क्योंकि अभी भी अगर आप मुझे पूछेंगे, अमेजोन अपने फुल फ्लेज्ड लेवल पे हमारे कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है. यहाँ पर पिकअप सेंटर्स, ड्रॉप सेंटर्स अभी भी कंप्लीटली सेटल्ड नहीं है, जितने सेटल्ड आपको एक्चुअली में यूएस या यूके में देखने को मिलेंगे. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अमेजोन गो, वो तो आपने देखा ही होगा यार. यू नो अमेजोन गो, क्या बात कर रहे हैं, सही में नहीं मालूम. यू एंटर अ स्टोर, यू डोंट हैव चेकआउट काउंटर्स. Amazon is a chain of convenience stores in US UK operated by online retailer. Those stores are cashierless. Like as soon as you enter, you just log in the Amazon application, the payment is made from your Amazon account on a real-time basis. You don't need to stand in a line for a cashier. You don't know that. This was launched in 2016. 2016, rather, इसके ऊपर तो एक पूरा हिस्ट्री है कि उन्होंने एक पूरे वेयरहाउस को प्रोटोटाइप बनाया. उस प्रोटोटाइप को बना करके एम्प्लॉयज ने टेस्ट किया बिफोर इवन मेकिंग दिस विजिबल और अवेलेबल टू जेफ. उनको भी नहीं बताया, उन्होंने पहले इस प्रोडक्ट पे काम किया, उसका प्रोटोटाइप बना करके एक्चुअली में ये फंक्शन कैसे करेगा, उनके अलग अलग टेक्नोलॉजीज को लेकर के, कि कैसे आपको कैशियर के पास जाके लाइन में खड़े होने का जरूरत नहीं है टू मेक द पेमेंट. वंस यू एंटर, इफ यू चेक इन, इफ इट इज अपडेटेड, तुम जो प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं ऑटोमेटिक तुम्हारे कार्ट में ऐड होगा. वंस यू चेक आउट, जस्ट टैप, पेमेंट इज मेड. They have such 30-40 stores now. Not in India, obviously. Not everywhere in US also. It's still maybe in San Francisco हो गया, जो मतलब उनके जो core areas हो गया, Seattle हो गया, जहाँ उनका main offices वगैरह है. Nice. Let's come back to the steps given by ICAI to you. Please, आइए page number 1A.11. चलो एक और तुमको वीडियो शेयर करूंगा आज, बोनस आज के लिए. सो डेलॉयट हैज समथिंग कॉल्ड इज डीयू, डेलॉयट यूनिवर्सिटी. डेलॉयट हैज देयर ओन यूनिवर्सिटी, इज कॉल्ड डीयू, एंड दे हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड डेलॉयट डिजिटल. उन्होंने एक वीडियो बनाया था बहुत साल पहले कि कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो एक्सट्रीमली ऑटोमेट हो जाएगा एट अ वेरी हाई लेवल इन द कमिंग 10 ईयर्स. उसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है, मतलब एक पर्सन, एक कैरिकेचर का जर्नी फ्रॉम ऑफिस टिल होम, उसको उन्होंने कैसे चीजों को ऑटोमेट होते जाएगा आइडियली, वो प्रोसेस पूरा बना करके दिया. आई विल शेयर दैट वीडियो ऑल्सो विथ यू एज अ बोनस टुडे. ठीक है, अभी के लिए पढ़े प्लीज. चलो आ जाइए, कैसे कन्विंस करना पड़ता है ना तुमको, ये मिलेगा, प्लीज सुन लो ना मेरे बात. स्टेप्स टू इंप्लीमेंट अ बीपीए, जल्दी आ जाइए फटाफट से. इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 1A.11. सबसे पहले Why we need to implement a BPA? Negative सोचने का, इधर आइए. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा सर, देर आर लॉट ऑफ रीजंस. देखो अगर इज्जत से 10 मिनट फॉलो करोगे खत्म हो जाएगा आराम से, जस्ट 10 मिनट आई नीड. ठीक है, सबसे पहले देखो लॉजिकली क्या क्या नॉर्मल रीजन हो सकते हैं दैट ए कंपनी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन लगाना चाहता है. नेगेटिव सोचने का, सारे रीजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा. क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जनरल रीड करेंगे, कोई भी दो तीन आइडेंटिफाई कर लेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देखो नंबर वन सर, हो सकता है मैन्युअली प्रोसेस हो रहा होगा जिसके अंदर बहुत सारे एरर्स हो रहे होंगे, जिन एरर्स की वजह से आपके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है. लॉजिकल है, ठीक है. पॉइंट नंबर सी, पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, क्योंकि देर इज नो प्रॉपर चेक एट एवरी प्लेस. नंबर डी, पुअर डेटर मैनेजमेंट, हाई इनवॉइस एजिंग, सुना क्या वर्ड एजिंग, पुअर कैश फ्लो, मतलब प्रॉपर एजिंग एनालिसिस मैनेज ही नहीं होता है. आप एक्सेल में मेंटेन करेंगे तो 100% कुछ ना कुछ चीजें मिस कर सकते हैं ना. इफ आई से इफ इट द एजिंग एनालिसिस वर्क्स सीमलेसली इन योर सिस्टम, जैसे ही एक कस्टमर का क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया है उसको इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन मैसेज के फॉर्म में चले जाना चाहिए आइडियली, या उसको मैसेज के फॉर्म में गया विद इन अ 7 डे पीरियड, अगर मेरे को उसका पुराना जो इनवॉइस था वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो जो नेक्स्ट जो डिस्पैच रहेगा वो रुक जाना चाहिए.
लॉजिकल है कि नहीं है? सच अलार्मिंग सिस्टम शुड बी देयर नो, वेरी वेरी कॉमन मैकेनिज्म, आइडियली थोड़ा बहुत ऑटोमेशन आज की तारीख में हर जगह एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट देखिए, नॉट बीइंग एबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स क्विकली ड्यूरिंग एन ऑडिट और अ लॉसूट. मतलब सर, जब ऑडिट हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी अगर एक सिस्टम के अंदर प्रॉपरली अच्छे जगह पर रहेगा, मतलब सही इंसान को सही टाइम पे सही डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए, ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को यूज करके जो डिजायर्ड डिसीजन है वो ले सकता है. आइडियली पूरे कंट्रोल्स में यही पड़ेंगे, राइट पर्सन शुड गेट एक्सेस ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम इन राइट फॉर्म. सही फॉर्मेट में भी उसको एक्सेस मिलना चाहिए. एंड ओनली अ राइट पर्सन शुड बी एबल टू मेक चेंजेस, अदरवाइज इट शुड बी रीड ओनली. आई होप यू नो व्हाट इज रीड ओनली. मतलब अनऑथराइज्ड इंसान उसमें चेंजेस एडिट नहीं कर सकता है आइडियली. देखो सर, लास्ट वन सर, लेंथी और कंप्लीट न्यू एम्प्लॉई और न्यू अकाउंट ऑन बोर्डिंग. मतलब एक एम्प्लॉई का रजिस्ट्रेशन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही लेंथी प्रोसेस है. मतलब एक एक एम्प्लॉई के लिए दे एंड अप स्पेंडिंग 3 to 4 hours. दैट इज नॉट राइट. देर शुड बी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. एक एम्प्लॉई आया, लिंक मिलेगा, लिंक से वो पूरा डेटा फुलफिल करेगा, लास्ट में आईटी वाले के पास जाएगा, उसके नाम का एक बॉक्स रेडी रहेगा जिसमें उसका लैपटॉप रहेगा, ब्ला 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 ब्ला, टिक मारेगा, सामान उठाएगा, निकल जाएगा. Do you understand this? Last, poor customer service. तो step number 1 एकदम logical लगता है क्या? एकदम logical लगता है क्या? Notebook निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी, शाबाश. Steps to implement a BPA. Step number A. Define why we plan. Define why we plan to implement a BPA. Define why we plan to implement a BPA. Why we plan to implement a BPA. Dash करके लिखो. The primary reason for BPA may vary. The primary reason for BPA may vary from company to company. May vary from company to company. However, following can be general reasons. General reasons. Bullet point number 1, poor customer service. And number 2, errors in manual processing, etc. I have become like you. Step number 2, understand the rules and regulations. Understand the rules and regulations which entity needs to comply while developing BPA. क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको 100% कंप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप बीपीए को डेवलप करना चाहते हैं. इसमें दोनों चीज आ सकती है, इंटरनल रूल्स भी आ सकते हैं एंड एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशंस भी आ सकते हैं. नीचे डैश करके लिख दीजिए. इट विल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ both internal and external rules and regulations. Both internal and external rules and regulations. For example, entities' internal corporate policies. External
लोकल एंड नेशनल लॉज, एक्सटर्नल लोकल एंड नेशनल लॉज एटसेट्रा. मतलब कुछ लॉज स्टेट स्पेसिफिक हो सकते हैं, कुछ आपके कंट्री स्पेसिफिक भी हो सकते हैं. क्या पॉइंट नंबर टू क्लियर है एकदम? नंबर वन इज वाई बीपीए, नंबर टू इज सर बीपीए अप्लाई करने से पहले उस एरिया में जो भी एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. नंबर थ्री, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट, डैश करके लिखो, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट. अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, डैश करके लिखो, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस विल प्रोवाइड मोर क्लैरिटी, will provide more clarity, comma, will help in identifying, will provide more clarity, comma, will help in identifying sources of, will help in identifying sources of inefficiencies and problems, sources of inefficiencies and problems, and will be useful while developing the automated process, will be useful while developing the automated process, will be useful while developing the automated process. जरा आओ इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. 1A.12 पे आइए, देखो देखो क्या बोलता है ये सर. सर एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आपने डिटेल में डॉक्यूमेंट करना चाहिए. इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, नॉर्मली हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं, इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी खुद जनरेट करता है या बाहर से रिसीव करता है, इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इतना अच्छा समझने के बाद ही आपको क्लैरिटी आएगा इस प्रोसेस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्या हम एग्जैक्टली अचीव करना चाहते हैं ताकि हम नए प्रोसेस को बेटर डिजाइन कर पाएंगे. रिमेंबर बीपीए विल रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रंट. तो आप बहुत सोच समझ करके ये डिसाइड करना चाहेंगे कि एक्चुअली में इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. देखो हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए जा रहे हो जिसका कोई वैल्यूडेशन ही नहीं है. बोला था ना कुछ ऐसे कंट्रोल्स हो सकते हैं जिनको जो कोई रिस्क को एड्रेस ही नहीं करते हैं, तो उन प्रोसेस को ऑटोमेट करके कोई फायदा नहीं होने वाला है. आपको वो प्रोसेस ऑटोमेट करनी चाहिए जो एक्चुअली में वैल्यूडेशन कर सकते हैं आपकी कंपनी में. इसीलिए आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सही से डॉक्यूमेंट करके समझना बहुत जरूरी है. देखो द बेनिफिट ऑफ प्रोसेस का क्या होगा, क्लैरिटी आएगा, प्रॉब्लम्स मिलेगी, बेटर रीडिजाइनिंग कर पाओगे. सर क्योंकि क्यों करना पड़ रहा है सर, क्योंकि हमको मालूम है देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो आप लोगों को पे करने वाले हैं टू एक्चुअली ऑटोमेट योर बीपीए. इसीलिए आप चाहेंगे पहले एग्जिस्टिंग प्रोसेस को अच्छे से समझा जाए, उसके अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके रिलेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे जो स्टेप नंबर 4 में आएगा, उसके बाद हम बीपीए अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे. बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, एक्सपेंसिव डिसीजन, टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन. यू विल नॉट वॉन्ट टू अप्लाई इट अनलेस यू बिलीव देर इज अ गुड ROI. For that, you should know what in detail is the existing process. Do you understand this? Come to step number 4. मतलब आपको बस बता रहा था कि almost सारे points वही है जो हमने summarize करके लिखे हैं. ठीक है? Step number 4. क्या क्या step लिखे हमने अभी तक? First step क्या था? Why we need to implement a BPA? General problems लिखे थे कुछ. Yes or no? दूसरा, understand the internal and external rules and regulations, क्योंकि उनको आपको comply करना ही पड़ेगा. Non-compliance will not be tolerated. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? Existing process को document कीजिए, समझिए, ताकि आप better redesigning कर पाएंगे. Number 4, define the specific goals and objectives. Define the specific goals and objectives. Define the specific goals and objectives to be achieved. Define the specific goals and objectives to be achieved by implementing BPA.
बाय इंप्लीमेंटिंग बीपीए। डैश करके लिखो, दीज गोल्स शुड बी स्मार्ट, दीज गोल्स शुड बी स्मार्ट। अब ऐसे बोल रहे मैं क्या करेगा, दीज गोल्स शुड बी स्मार्ट मतलब क्या है, आ जाओ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एस इज योर स्पेसिफिक, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए भाई। एग्जाम्पल, कस्टमर को विद इन 24 आवर्स ईमेल जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, कॉल जाना चाहिए, प्रॉब्लम रिसॉल्व होना चाहिए, यस और नो। दूसरा चीज, मेजरेबल मतलब क्वांटिफाइबल होने चाहिए, ताकि आप उनको मेजर कर सकते हो कि एक्चुअली में वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। ए, अटेनेबल मतलब सर रियलिस्टिक भी होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारे रिसोर्सेस के अंदर बेस्ट पॉसिबल तरीके से लगाया तो वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। रेलेवेंट मतलब सर ऐसा गोल होना चाहिए जिसको कंपनी के बिजनेस से रिलेट किया जा सकता है, पता चले कंपनी का बिजनेस कुछ अलग है और आप गोल कोई और अलग बना रहे हैं जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। आइडियली सर वैसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रेलेवेंट टू माय बिजनेस। एंड द लास्ट वन इज टाइमली, मतलब सर एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि किसके अंदर आपका ये गोल अचीव होना चाहिए, मतलब आफ्टर अप्लाइंग बीपीए विद इन 6 months, विद इन अ ईयर्स टाइम आइडियली आपको ये आउटपुट मिलना चाहिए। तो एक काम करो, डिफाइन कर लो फटाफट से। एस स्पेसिफिक, नेक्स्ट मेजरेबल, कर लो कॉपी पेस्ट, क्या है टाइम पास। हाँ ऑब्वियसली लिखना है ना, नहीं आगे का मतलब अगर तुमको समझ गया तो ठीक, इट्स फाइन। लिखा स्मार्ट, कहां पर है बीपीए के स्टेप्स, पहला स्टेप क्या था, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन, तीसरा एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने का, नंबर फोर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने का, नंबर फाइव अब आ जाओ कंसल्टेंट के पास जाएंगे, नंबर फाइव एंगेज, नंबर फाइव एंगेज engage an appropriate business process consultant। डैश करके लिखिए, before finalizing a third party consultant, before finalizing a third party consultant, following aspects should be kept in mind। number one objectivity, नंबर टू प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द एंटिटीज प्रोसेसेस, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द एंटिटीज प्रोसेसेस। नंबर थ्री नॉलेज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर बीपीए। दैट्स इट, 3 पॉइंट काफी है, मतलब हमको यह समझना चाहिए क्या ये एक्सपर्ट ऑनेस्ट है, फेयर रहेगा, प्रोफेशनल रहेगा, इसके पास कोई एक्सपीरियंस है कंपनी के बिजनेस को ऑलरेडी समझने का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है, जिस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है ना, उस प्रोसेस के रिगार्डिंग इनका नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर कितना एक्सपर्टीज है, मतलब क्या वो सही आईटी टूल्स रेकमेंड कर पाएंगे, क्या वो सही आईटी टूल्स को रेकमेंड करने के साथ साथ में इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर पाएंगे। देखो कंसल्टेंसी भी दो होता है, एक होता है प्रॉब्लम ढूंढा ये सोल्यूशन है, दूसरा होता है सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। एंड दैट इज वाई यू चूज बिगर कंसल्टिंग फर्म्स, बिकॉज दे हैव डेडिकेटेड टीम्स,
वन टीम फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, सेकेंड टीम टू एक्चुअली हेल्प यू टू इंप्लीमेंट द सोल्यूशन, एंड देर इज वन टीम विच ट्रेन्स योर एम्प्लॉय टू यूज दैट न्यू टेक्नोलॉजी. मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढने के लिए लोग हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए लोग हैं, एंड थर्ड वाला आपके लोगों को ट्रेन करने के लिए भी लोग हैं. यू नीड ऑल थ्री कैटेगरी ऑफ पीपल. और ये अगर डेडिकेटेड आपके कंसल्टेंट के पास में एक्सपर्टीज है तो ही आप उस कंसल्टेंट को पिक करना चाहेंगे, ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा. नंबर सिक्स, कैलकुलेट द आरओआई, कैलकुलेट द आरओआई फॉर प्रोजेक्ट, कैलकुलेट द आरओआई फॉर प्रोजेक्ट. ब्रैकेट्स में लिखो, रेफर पेज नंबर 1A.14. ये आपका होमवर्क है आज, अभी डिस्कस करेंगे. आइए, सम ऑफ द मेथड्स फॉर जस्टिफिकेशन दैट अ बीपीए प्रपोजल इज गुड. देखो, इज्जत से पढ़ोगे तो टोटल 5 मिनट लगेंगे आखिरी के 3 पॉइंट खत्म करने में, तो डोंट वेस्ट टाइम. ठीक है सर, आरओआई कैलकुलेट करने के लिए क्या देखूंगा? सबसे पहले तो ये देखने वाला हूं मैं कि मेरा एग्जिस्टिंग जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था वो रेवेन्यू लॉस कितना कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ अ बीपीए, या सर वो रेवेन्यू लॉस के साथ साथ में मुझे एडिशनल बेनिफिट क्या मिलने वाला. अब एडिशनल बेनिफिट ना मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव सोच सकता हूं, फाइनेंशियल बेनिफिट, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट, क्योंकि याद करो अगर अटेंडेंस सिस्टम था तो बेनिफिट फाइनेंशियल से ज्यादा एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल बेनिफिट था. दैट कॉर्पोरेट कल्चर आपका मेंटेन रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो आपको देखना पड़ेगा कि आप बेनिफिट भी जब अपने टॉप मैनेजमेंट को ये प्रपोजल एज अ कंसल्टेंट आपको बना के कंपनी को देना होता है कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है. फाइनेंशियल बेनिफिट इज वन एस्पेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट सेविंग कितना होगा, टाइम कितना कम होगा, फिर सर कस्टमर्स को कितना बेटर सर्विस मिलेगा, तो आपका ब्रांड लॉयल्टी कैसा इंप्रूव होगा, मार्केट में रेपुटेशन कैसे एनहेंस होगा, सर शायद आपका प्रोसेस बेंचमार्क बन जाएगा बाकी कंपनीज के लिए. मतलब यू हैव टू सेल इट दैट व्हाई दिस काइंड ऑफ कंसल्टेंसी इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर यू गाइस. ये सब चीजें आपको एक बिजनेस प्रपोजल में इंक्लूड करनी पड़ेगी टू प्रूव दैट दिस आरओआई, सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अ गुड आरओआई फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आइए कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं. देखो नंबर वन, सबसे कॉमन कॉस्ट सेविंग. फिर सर कॉस्ट सेविंग का ही दूसरा एग्जाम्पल, मेरे सैलरी कितना कम होने वाला है एम्प्लॉयज का, बिकॉज शायद यू नो मेरे को उनको रिप्लेस करने की जरूरत, आई मे नॉट इवन नीड एम्प्लॉयज एनी मोर, कम लोगों का जरूरत पड़ेगा, या मेरे एम्प्लॉय छोड़कर के नहीं जाएंगे, अट्रीशन रेट कम हो जाएगा. दोनों पर्सपेक्टिव्स आपको सोचना पड़ेगा किस सिचुएशन में आपको उनको प्रूव करना है अकॉर्डिंगली. सो फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल चीज को ऑटोमेट कर रहे हो तो एम्प्लॉय से जरूरत ही कम पड़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगा. सर यह प्रोसेस सेम रहने वाला है बट एम्प्लॉयज के लिए प्रोसेस ऑटोमेट किया जा रहा है तो शायद उनका अट्रीशन रेट कम हो जाएगा. नेक्स्ट सर, शायद कुछ फाइन्स आपको रेगुलरली लगते होंगे बिकॉज कंपनी टाइमली बेसिस पे रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं कर पाता है, या गवर्नमेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता टाइमली बेसिस पे, बिकॉज टाइमली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम से नहीं निकलता है. एम्प्लॉय का प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम इज अ प्रॉब्लम. टू एक्चुअली इंप्रूव द सिस्टम यू विल बी एबल टू कीप अ गुड रेपुटेशन ऑल्सो इन द आईज ऑफ माई रेगुलेटर्स. फिर सर क्या कोई नया रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा इससे, क्या हमारा रिसीवेबल का एजिंग एनालिसिस बेटर हो पाएगा, ये सब जनरल एग्जाम्पल्स है. देखो हर सिचुएशन में अलग लगेगा, अटेंडेंस वाले में ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन के लिए ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा, रिसीवेबल के लिए ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा. ये सिर्फ जनरल सिनेरियोज है कि क्या क्या नॉर्मली चीजों को यूज किया जा सकता है टू पिच that why this BPA is going to be helpful. देखो लास्ट में क्या बोलता है, the above can be very well presented to justify the proposal and convince the management that why we should go ahead with this developed plan of BPA. आपको इनमें से कोई ना कोई 4-5 पॉइंट पिक करने चाहिए कि नॉर्मली हमारे प्रपोजल में आने चाहिए टू कन्विंस द मैनेजमेंट वाई दिस BPA implementation is a good project. Do you understand this point? नेक्स्ट दोनों पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, उनमें कुछ लिखने के लिए है नहीं, सिर्फ स्टेप्स आपको लिखने होंगे. वंस यू फिनिश राइटिंग दीज 5 पॉइंट्स यू विल राइट द लास्ट 2 स्टेप. व्हाट इज स्टेप नंबर 7? देखो क्या बोलता है, यू हैव टू डेवलप अ बीपीए. मतलब आपको अपना ऑटोमेटेड नया बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइन करके ड्राफ्ट करना पड़ेगा. दैट इज माई स्टेप नंबर 7. एंड पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है, बिफोर यू इंप्लीमेंट एनी न्यू प्रोसेस, हमेशा एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस होता है, कोई भी प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले उसको टेस्ट करना चाहिए. एंड जब आप प्रोसेस को टेस्ट कर रहे हो तो सुनो, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज एक्सेप्शन प्रोसेसिंग. दिख रहा है वर्ड एक्सेप्शन प्रोसेसिंग? याद है वर्ड एक्सेप्शन 505 में भी था,
हम जो चाहते थे उसके अंदर वेरिएंस मिल रहा था, याद आ गया। तो जब आप एक नए प्रोसेस को टेस्ट कर रहे हो, ये भी देखो उस अगर प्रोसेस में कुछ एक्सेप्शन आए तो उनका प्रोसेसिंग कैसे होगा, क्या वो एक्सेप्शन का अलग से रिपोर्ट बन के आएगा। मेजॉरिटी प्रोसेसेस आज की तारीख में एक्सेप्शन का एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपके प्रोसेस में 10 स्टेप्स थे, सबके साथ फॉलो हो गए, एक स्टेप में एक प्रॉब्लम आया था, ये स्टेप का जो प्रॉब्लम है वो हमने एक सेपरेट फाइल बना करके दी है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन रिपोर्ट। मतलब सर, बिफोर अप्लाइंग द फाइनल प्रोसेस टेस्ट द प्रोसेस, एंड वाइल टेस्टिंग द प्रोसेस ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये एक्सेप्शन को प्रोसेस अलग से किया जा रहा है, सेपरेट रिपोर्टिंग किया जा रहा है। इफ दैट इज ऑल डन, यू कैन इंप्लीमेंट योर redesigned और re-engineered new business process। क्या आपको 8 steps समझ में आए? We started with number 1, why, number 2, understanding the rules and regulations, existing process, understand the goals and objectives, then get a new consultant, a right consultant for the job, find the ROI of the project, and then develop a BPA, and then test, and after testing comes your implementation। Are we good? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था आज के लिए। आज का होमवर्क आपको ऑलरेडी मालूम है, आई विल सी यू टुमारो। ऑनेस्टली बताओ, सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सिंपल ही है यार, इतना मुश्किल चीज नहीं है। टुडे इज 11th, राइट? स्मॉल एन 2216357, 2216357। थैंक यू गाइस, एंजॉय योर डे।